इच्छकार सूराई सुखतप शरीर निराबाध सुखगंजम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी दे गुरु बसाय आर पानी नो लाभ दे जो जी इच्छामी खमा समो वंदी उजामी जाई इच्छा कारण संधि सो भगवान अभूठ्यो मी अभिंतर रायम खामेउ इच्छम खामे मी रायम जतिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विनिये व्यावचे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उग्री भाषाए जंकिंची मज्ज विनय परिहिनम तुहुं वा बायरं वा तुभ्ये जानम अहम न जानामि तस्समिच्छामि शुक्रम इच्छामि खमासमो वंदी उजामि जायति इच्छा कारण संधि सौ भगवान वायणा संधि सौ इच्छामि खमासमो वंदी उजामि जायति इच्छा कारण संधि सौ भगवान वायणा लेशु इच्छकारी भगवान पसाई करी वायणा प्रसाद करावशो जी नमारिहंदानम नमो सिद्धानम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सर्वसागुणम एसो पंच नमो करो सब पाव प्रणासनु मंगलानं च सर्वेसिं मंगलम जय जगदेव जोड़ी वे आनो जग गुरु जगानंदो जगनाहो जग बंदो जय जगतिया ममो वैभव जय सुयाण पवो तीर्थयराणम अपच्छिमो जय जय गुरुनो गाण जय महप्पा महावीर वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनिं अमर नरराय मह्यं चरम तीर्थयरम सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाविष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञान देमिरांधानं ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः धर्म लाभ बहुत बहुत मत्तेन वंदामि साहेब संसार के अंदर जब जो भी कार्य होने होते हैं रिजल्ट जो आता है कार्य जो बनते हैं उनके पीछे कई कारण होते हैं। ऐसे कारणों से ही कार्य को निष्पत्ति मानी जाती है। अब कब जो है कौन सा कारण प्रबल होता है कब कौन सा कारण गौण होता है इन सब के बीच में यहाँ पर शास्त्र वार्ता समुच्चय ग्रंथ में प्रमुख रूप से जो है ऐसे मुख्य पांच कारण जो है बताए गए।
अब इन पांच कारणों में से कब कौन सा कारण ज्यादा प्रबल होगा और कार्य की निष्पत्ति किसके द्वारा होगी ये पता नहीं चलता है, लेकिन होता जरूर है ऐसा। तो इस दृष्टि से अगर हम यहाँ पर ये विचार करें, आज हम इन पांच कारणों के बारे में थोड़ा सा समझ लें, तो ये पांच कारण किस प्रकार से संसार के व्यवहार में कार्य करते हैं, इसको आप देखेंगे आपको ये ख्याल आएगा। इन पांच कारणों में जो है ये कारण का चक्र है। अब ये आप समझिए, पहला कारण जो है टाइम, काल जो है ये भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा कारण यहाँ पर जो है वो है नेचर, यहाँ नेचर का अर्थ है वो स्वभाव लेना है। तीसरा कारण जो है वो है कम से कम डेस्टिनी जो है, ये शब्द है इसके लिए भवितव्यता। दूसरा शब्द इसके लिए है नियति। अब इसी तरह से इन कारणों के अंदर एक कारण जो है वो है चौथा कर्म कारणी। अब ये है पांचवा कारण जो है पुरुषार्थ कारण। अब ये इनमें से कब कौन सा प्रबल होता है, अब कैसे भी कारणों के अंदर आप देखेंगे कि इन एग्रीकल्चर फॉर्म के अंदर एक फार्मर जो है उसकी जमीन है, उसको एग्रीकल्चर में उसको गेहूं पकाना है, एग्रीकल्चर खेती करना है। अब ऐसी स्थिति के अंदर वो करे तो उसके लिए टाइम फैक्टर भी अनुकूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब बारिश की सीजन आएगी तभी तो कर सकेगा। अब सही ढंग से सही सीजन भी न आए और वो बोले कि बिना बारिश के मैं सह करूं तो भी क्या होगा साहब, ऐसी परिस्थिति में करने जाए तो नेचर उसका अनुकूल है कि नहीं है, यहाँ प्रकृति भी अनुकूल है कि नहीं, और उसका खुद का करने का स्वभाव भी उसके साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं है, ये उसको देखना है। अगर वो खुद ही बीमार है, उसकी इच्छा ही नहीं है, इसके बजाय ये करना है, ऐसी बातों में अगर वो आ गया तो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इधर एक थर्ड फैक्टर जो है दैट इज कॉल्ड डेस्टिनी, नियति, भवितव्यता जो है वो इस प्रकार की डेस्टिनी जो है कब किसके साथ कैसा काम करती है पता नहीं चलता है साहब। वो बहुत कुछ करना चाहता है बट सम टाइम देयर मे बी द फैमिन, सम टाइम देयर मे बी द फ्लड, सम टाइम देयर मे बी द एनी नेचुरल कैलामिटीज, ड्यू टू दैट द रिजल्ट इज नॉट कमिंग, मतलब कार्य हो नहीं पा रहा है ऐसा। अब चौथा है उसके साथ में पूर्वकृत कर्म, अपना पुराना कर्म। अब उसका पूर्वकृत कर्म शुभ पुण्य का है या अशुभ पाप का है या है कि नहीं है, या अंतराय कर्म है, बहुत अच्छी मेहनत की लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आया, या तो कोई कारण आ गए, चलो कोई नेचुरल कैलामिटीज भी नहीं हुई, चलो कोई फ्लड एंड फैमिन वो भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लेकिन ये बोलते हैं कीड़ आ गए, उसको कीड़े लग गए या जानवर घुस गए या दूसरों ने खा ली, अब कोई ना कोई कारण जिस तरह से जैसा बना सा। अब किसी के घर में पड़ोसी ने आकर की ही उसकी खेती रात को चौपट कर दी, वो बेचारा रोने लग जाए, तो ऐसे भी कारण बनते हैं, कार्य नहीं हुआ सा। अब इस स्थिति के अंदर एक है एफर्ट का पुरुषार्थ जो है, सभी जानते हैं, किसान भी समझता है कि मेरी 2 एकड़ में गेहूं हो गया तो वो 1 लाख रुपए का गेहूं है सब। अब वो जब पूरी पक जाती है सीजन तो घर के परिवार के बारी बारी से वहां पर बैठते हैं खेत के अंदर और वो अपने रक्षा करते हैं, वो जानते हैं अच्छी तरह से। अब इसमें से कौन सा फैक्टर प्रबल है, अब इसमें से अगर कार्य बनना है
तो किसके आधार पर ये कार्य बनेगा आपका? अब मान ले कि इसके अंदर ये अगर कार्य बनना है, रिजल्ट आना है, तो टाइम फैक्टर आपके लिए अनुकूल है कि नहीं? आपका नेचर स्वभाव आपका है कि नहीं? आपकी डेस्टिनी आपके लिए अनुकूल है कि नहीं? अब ये इन सब में से देखना है। कई बार अगर ये अनुकूल नहीं है लेकिन ये अच्छा अनुकूल है, ये अनुकूल नहीं है लेकिन ये ज्यादा प्रबल है, कई बार ये ज्यादा प्रबल है तो ये अनुकूल नहीं होता है। अब ये पांचों कारण जो है जिस प्रकार से जैसे है, इनमें सबका अलग 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 तरीके से होता है। अब जो आपके एक एक्सपीरियंस की बात है, अगर मैं पूछूं कि घर में बेटे का जन्म होना है, घर में बेटा हुआ दैट इज कार्य, अब वो कार्य हुआ तो इसमें से कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं? बोलो विजय भाई। सभी फैक्टर काम कर रहे हैं। चलो मैं ये पूछता हूँ कि परसेंटेज वाइज कम ज्यादा राहुल जी बोलेंगे, आप समझ में आ रही है बात? हाँ जी, जैसे अब 9 महीने का समय लगेगा वो काल हो गया, और डेस्टिनी लड़का होगा या लड़की वो भाग्य हो गया, यही साहब जी। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरे विजय भाई मेहता बोलेंगे जी साहब। चलो नहीं, बोलूंगा बोलूंगा इस बार, ये तो मेरा सब्जेक्ट था सर, पहले आपको पता होगा शायद बहुत साल पहले। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। घर में प्रेग्नेंट लेडी है तो पेट में जब बच्चा 9 महीने रहने का जो समय गाला है उसमें उसका टाइम पीरियड फैक्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। वो प्रेग्नेंट हुई उसके लिए उसका स्वभाव नेचर इम्पोर्टेंट रहता है, सही बात है। फिर दूसरा भवितव्यता में उसको लड़का सही होगा नहीं होगा कैसा होगा, वो जो फिक्सेशन करता है वो भवितव्यता करेगी, कौन सा जीव आएगा, कौन सा जीव का जन्म होगा, वो सब चीजें डेस्टिनी डिसाइड करेगी। उसके बाद में कर्म भी है उसका, तो कर्म इज अ वेरी कॉमन फैक्टर, क्योंकि कर्म के बिना तो कोई जड़ चीजें का उपस्थिति होती ही नहीं है। और पुरुषार्थ भी अपने आप ही है, प्रसूति की वेदना भी सहन करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, जैसे लेबर पेन होता है वो भी। ये पांचों पांच कारण रहेंगे, मगर जिस एंगल से जैसे देखेंगे जिस काल में उसमें वो इम्पोर्टेंस उसकी करी जाएगी। अब आप ये प्रयत्न करिए कि कंपलसरी जरूरी नहीं है कि पांचों होने ही चाहिए, एक अगर गौण हो गया तो परसेंटेज दूसरे के ज्यादा बढ़ जाएंगे। 9.5 महीने का पीरियड है तो ये टाइम फैक्टर है वो आपका 50% मार्क जो है टाइम फैक्टर के गए। अब दूसरे 50% बचे हैं तो उसमें नेचर के, कर्म के, पुरुषार्थ के आप डाल दो। जरूरी नहीं है कि डेस्टिनी को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं भी होती है। अब इसके अंदर अगर कभी सब प्रकार के कार्य बनते हैं, सब अलग अलग प्रकार के कार्य बनते हैं। अब इन कार्यों के साथ में दुनिया भर के एग्जाम्पल बहुत है। अब हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है सम्यक दर्शन प्राप्त होना, ये भी एक कार्य है कि नहीं है। अब इस कार्य के साथ में सब फैक्टर्स को हम कैसे बैठाएंगे, पांचों कारणों में से कौन सा बैठेगा कौन सा नहीं, बोलो जनक भाई फावशे। समय तो काल तो घना संख्यात के तो असंख्यात थी जैसे अगर आपने चला दबका में आवे होय तो एक करोड़ा कोड़ी सागरोपम सुधी पहुंचा होय तो ये समय ये संख्यात नहीं तो असंख्यात थी जैसे कर्म डेस्टिनी ये तो ये भव्य जीव छे कि अभव्य जीव छे अने ये कई रीते પહોંચ્યું છે એ જગ્યા પર એ પ્રમાણે થશે કે એનું ક્યારે એ ફળ ખુલશે ને સમયત્વ પામશે। નેચર એક જરાક પુરુષાર્થ અને નેચરમાં મને જરાક અંતર લાગે છે, અમને સમજ નથી પડતી કેવી રીતે સમજાવું બંનેને। કર્મ કર્મ એને એટલે એમાં અંતરાય કર્મ કયા આવે છે એને
અડચણો કઈ આવે છે, કાં તો એને સહાયક કર્મ કયા આવે છે, એને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિ માટે મદદ કરે છે. પુરુષાર્થ તો એને હંમેશા વધારે પસંદ તો જ એ ત્યાં પહોંચી શકશે. એટલે એ અંદર આત્માનો પુરુષાર્થ. ચલો અબ આપ ઇસમેં થોડી સી કોશિશ કરેંગે, આજ હમ યે સમજ લેતે હૈ એક એક જો હૈ હમકો મિથ્યાત્વ મેં સે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરના હૈ. અબ યે કાર્ય હો ગયા, કાર્ય યે હૈ કે રિઝલ્ટ આના ચાહિયે, સમ્યક દર્શન કી પ્રાપ્તિ હોની ચાહિયે. અબ કરને કે અંદર ઇનમેં સબ મેં સે જો હૈ કૌન સા કારણ કિસ તરહ સે કામ કર રહા હૈ, કૌન સા કારણ પ્રબલ હૈ, કૌન સા કારણ ગૌણ હૈ, કૌન સા કારણ કિસ મેં હૈ. અબ પરસેન્ટેજ આપકો 100 માર્ક મેં સે કિસકો કિતને પરસેન્ટેજ આપકો દેના હૈ, આપકો યે પ્રયત્ન દેખના પડેગા. તો યહાં આપ કભી સોચેંગે કે ભઈ ડેસ્ટિની પ્રબલ હૈ, કભી સોચેંગે કે નેચર પ્રબલ હૈ. આપ અભી ઉધર અભવી યા ભવી ઉધર મત જાઈએ, સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરને વાલા સિર્ફ ભવી હી હૈ. અબ દૂસરા પ્રશ્ન વહાં આયેગા હી નહીં આપકો. અબ રહી વાત યે કાલ ફેક્ટર કા વિચાર કરતે હો તો નંબર એક ચરમાવર્ત મેં આના જરૂરી હૈ, ઓર ચરમાવર્ત મેં આકે ઉસકો અર્ધ ચરમાવર્ત કાલ પૂરા કરકે વહાં તક પહોંચના અનિવાર્ય હૈ, ગ્રંથિ પ્રદેશ તક પહોંચના. અબ યે સમજ મેં આ ગયા તો યે કાલ કે આધીન હો ગઈ બાત હમારી. અબ ઉસકે બાદ આઈએ નેચર આપકા ક્યા હૈ, કિસકા નેચર ચલ રહા હૈ, સમ્યક દર્શન કૌન પ્રાપ્ત કરને વાલા હૈ, સિર્ફ જીવાત્મા ભવ્ય આત્મા. અબ ભવ્ય આત્મા પ્રાપ્ત કરને વાલા હૈ તો ઉસકા નેચર અભી તૈયાર બના હૈ, મારે કોઈ પણ હિસાબે મિથ્યાત્વની ગ્રંથિનું ભેદ કરીને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવું છે. યે આપકા સ્વભાવ ઈચ્છા પ્રબલ તીવ્રતા બન ગઈ કે નહીં બન ગઈ? અગર યે બન ગઈ હૈ તો તો બહુત જલ્દી આપકે લિયે રિઝલ્ટ આયેગા. માતાજી બોલીએ ક્યા કિતની સિરિયસનેસ આપકી ઇસ વિષય મેં બની. અનમ્યુટ હો ગયા, ફિર સે અનમ્યુટ કરના પડેગા. હા સાહેબજી, ઇસી કી રુચિ હૈ ઓર પૂરા ઇસી પે વો હૈ, પૂરા ધ્યાન પૂરા ઇસી કે ઉપર હૈ. अब पूरा है, पूरा है कि तीव्र इच्छा है, दो में फर्क है. तीव्र इच्छा और मैं बोलूं तो आप बोलो ऐसा मतलब आपको. अब उसके लिए आपका पुरुषार्थ कितना है और आपका पूर्वग्रह कर्म कितना है, अब ये दो को अंदर देखना है. ये क्या चल रहा है, यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्व करण, अनिवृत्तिकरण, ये सब क्या है? पुरुषार्थ. पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ है. अगर आप प्रबल पुरुषार्थ नहीं करोगे तो आप जो है चरमावर्त में आकर के भी अर्ध चरमावर्त तक पहुंचने के बाद भी कुछ नहीं होगा. अब डेस्टिनी का फैक्टर कहाँ है, टाइम के साथ जुड़ता है. अगर आप अर्ध चरमावर्त के बाहर चरमावर्त में प्रवेश कर चुके और फिर बाकी का अर्ध पुद्गल परावर्त काल ही बचेगा तो ही होगा काम. आप ये डेस्टिनी के दो पॉइंट लिख लेंगे आप अलग से. ये तो आपके ख्याल में आ गया. साहब जी एक मिनट, साहब जी एक मिनट. ये पांच फैक्टर एक समय में कितना चेंजेस होता है, एक समय में ये पांचों में कितना चेंजेस आते हैं? एक समय मतलब क्यों पूछ रहे हो? समय जो घड़ी है हमारे समय की, जो आप हमारे शास्त्र में समय की घड़ी जो मानी जाती है, उस समय में ये पांचों में कितने चेंजेस आते हैं? ये आपका प्रश्न ही गलत बैठा है. समय यानी सेकंड गणो, मोमेंट गणो, स्मॉलेस्ट टाइम फैक्टर. पण એનો मीनिंग કરો છો તો મતલબ ને તમે એને આ ટાઈમ તો ફેક્ટર એમાં છે, આ પાંચ ને બેસાડવા છે, તમે કહો કે એ મોમેન્ટ તો મતલબ શું? एवरी मोमेंट दैट. प्रश्न आपका सही नहीं है. आप दो मिनट सोच लो, प्रश्न की लैंग्वेज सेट करो. अब बात ये चल रही है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो काल चल रहा है, अब ये कौन सा काल चल रहा है? अचरमावर्त. अब ये अचरमावर्त जो है
ये अचर्मावर्त काल कितना है? ये अचर्मावर्त काल जो है सबके लिए अनंतानंत है। इसको अनंतानंत पुद्गल परावर्त काल कहा है। तो ये तो डेस्टिनी फिक्स हो गई कि भाई अचर्मावर्त के अनंतानंत पुद्गल परावर्त काल में किसी जीव को सम्यक दर्शन कभी प्राप्त होता ही नहीं है। बोलो विपिन भाई, पहले रिपीट करो सेंटेंस। अचर्मावर्त कर्मा कोई पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की बात नहीं आ रही काका बच्चे, आप पहले सेंटेंस जो सुनते हो बरोबर परफेक्ट वही वर्ड्स आपको बोलना है। पुठारी जी बोलिए। अचर्मावत काल में कोई पण जीव ने सम्यक दर्शन पॉसिबल नथी। तो ज नथी, बस बात पूरी थई गई। अब ये क्या है? ये डेस्टिनी है। अब यहां से जीव जो प्रवेश करे ये है आपका चर्मावत काल। अब आपके लिए ये समझना है कि चर्मावर्त काल के अंदर विजय भाई ध्यान आपो, यहाँ डेस्टिनी कैसे सेट होती है? भवितव्यता जो हम यहाँ पर बैठा रहे हैं तो वो पॉसिबल है कि नहीं है? भवितव्यता का मुख्य कारण आपको देखना है। तो यहाँ पर ये जीव है, ध्यान से सुनना फिर आपको ही बोलना है वापिस। मोक्ष में जाने योग्य भव्य आत्मा का, मोक्ष में जाने का काल जब एक चर्मावर्त ही बाकी रहेगा तभी वो चर्मावर्त में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बोलो, अब आपको बात बरोबर समझ में आ रही है? अंसा बेन बोलो। मोक्ष जाने योग्य, पूरा पूरा वाक्य पूरा करिए। मोक्ष जाने योग्य आत्मा जब एक चर्मावर्त बाकी रहेगा तभी चर्मावर्त में आ सकेंगे। आप बरोबर, पहले वह सेंटेंस है। कोई पण जीव नो एने योग्यता प्राप्त थशे चर्मावर्त नी त्यारे ए अहीं आवशे। ऐसा मत करिए, मैं वापिस बोलता हूँ थोड़ा सा। आप लिया तो लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ में भी आना चाहिए। और ये क्या, अब मोक्ष में जाने योग्य पात्र, एक ट्राई करूं महाराज साहब, मैं मथेन वंदा में महाराज साहब। मोक्ष में जाने योग्य भव्य आत्मा का काल एक चर्माव्रत बाकी रहेगा तो ही वो चर्माव्रत काल में जाएगा। चलो बहुत अच्छा, अब आपको ये सोचना है अच्छी तरह से। भव्य आत्मा मतलब मोक्ष में जाने की पात्रता वाला जीव, अब वो रिपीट नहीं करना है वापिस, नहीं तो पीछे चले जाएं। भव्य जीव का मोक्ष में जाने का एक ही पुद्गल परावर्त का काल बाकी रहेगा तभी वो चर्मावर्त में प्रवेश करेगा। अबे विजय भाई बोलू भाव से ना? महाराज साहब जी हजी नहीं। आत्मा जब अनंत पुद्गल चर्मावर्त काल से लास्ट राउंड में आता है तब वो चर्मावर्त काल में तन खमसना आप ही दे जो, आपका कंसंट्रेशन नहीं है। आप पहले ध्यान से सुनिए। अब भव्य आत्मा ही मोक्ष में जाने वाला है एंड वी आर टॉकिंग फ्रॉम द एंगल ऑफ डेस्टिनी, अभी पहले उस एंगल से हम बोल रहे हैं। तो भव्य आत्मा ही मोक्ष में जाने वाला है। क्यों जाने वाला है भव्य आत्मा मोक्ष में? उसी में मोक्ष में जाने योग्य पात्रता पड़ी। लेकिन भव्य आत्मा होने से मोक्ष में नहीं जाता है। भव्य आत्मा अनादि अनंत काल से भव्य होते हुए भी अनादि अनंत काल से मिथ्यात्व से ग्रस्त है। तो भव्य जीव होते हुए भी उसका भी अनंत पुद्गल परावर्त काल के अंदर अनंत बार मिथ्यात्व मोनीय अत्य अनंत बार जो है कसाय मोनीय ये सब उसके साथ जुड़े हुए, तो वो भी मिथ्यात्व बना हुआ है। भव्य होना मतलब क्या? दो में फर्क है। भव्य होने से
मोक्ष में जाने योग्य पात्रता बड़ी है, लेकिन भव्य जीव भी जब सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो ही मोक्ष में जाएगा, नहीं तो नहीं जा सकेगा। बिना बेन बोलो, रिपीट करो। भव्य आत्मा में मोक्ष जवानी पात्रता योग्यता पड़ी छे, पण ते सम्यक दर्शन पामसे तो ज जाई सकसे। बराबर, नहीं तो नहीं जाएगा, तो उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। अब उसकी सम्यक दर्शन प्राप्ति की कक्षा कब आएगी, दैट इज डेस्टिनी। जब उसका मोक्ष में जाने का काल एक ही पुटकल परावर्त काल का बाकी रहेगा, तभी वो चरमावर्त में प्रवेश करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बोलिए माता जी, बरोबर बोलिए, शब्द बरोबर सही बोलना। भव्य आत्मा का मोक्ष में जाने का एक पुद्गल परावर्तन काल ही जब शेष रहेगा, तभी वो चरमावर्त में जाएगा। वेरी गुड, चलो फर्स्ट क्लास। अब ये आपको बरोबर फिक्स हो गया। अब आगे की बात ध्यान रखिए। अब जब वो चरमावर्त में प्रवेश कर लिया, इतने मात्र से भी मोक्ष नहीं हो जाए, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर लेगा। दूसरा नियम क्या है, चरमावर्त में आने के बाद अब ये जीव जो है क्रांति प्रदेश, अभी भी डेस्टिनी से चलना है, अभी पुरुषार्थ की बात मत करना। अब भव्य आत्मा, थोड़ा सा लास्ट सेंटेंस और इसमें थोड़ा चेंजेस है, समझ करके लिखना और फिर वापिस आपको ही बोलना है। वही भव्य आत्मा जिसका मोक्ष में जाने का अर्ध पुद्गल परावर्त ही काल बाकी रहा है, वही ग्रंथि भेद प्रदेश में आएगा। बोलो बरोबर भाव से। विपिन भाई शाह, मैं बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए। भव्य आत्मा जिसका अर्ध पुद्गल परावर्त काल ही बाकी रहेगा, वही ग्रंथि भेद के पास आ सकता है। आपने दो शब्द छोड़े, जरा याद करेंगे। देखो सेंटेंस के बीच में दो शब्द आपने छोड़े, जिसका मोक्ष जाए। हाँ बोलो, पूरा बोलो। जिसका मोक्ष, भव्य आत्मा जिसका मोक्ष जाने का टाइम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल ही बाकी रहेगा, वही ग्रंथि भेद के नजदीक जा सकता है। बरोबर, अब आई बात समझ में। अब थोड़ा सा चेंज करके तीसरा सेंटेंस बोलता हूँ। विजय भाई ध्यानती बोल जो पची तुम्हारे तने बोलवाना छे। अब तीसरा सेंटेंस ये है, जिस भवी जीव का मोक्ष में जाने का अर्ध पुद्गल परावर्त काल ही शेष रहेगा, वही यथा प्रवृत्ति करण शुरू करेगा। बोलो चंद्रेश भाई, बोल सो। जिस भवी जीव का अर्ध परावर्त काल बाकी रहेगा, वही यथा प्रवृत्तिकरण में जाएगा। आप दूसरे राहुल जी, आप दूसरे बोलिए। दो राहुल जी। जिस जीव का मोक्ष में जाने का अर्ध पुद्गल परावर्तक काल ही शेष रहेगा, वही ग्रंथि भेद में वही यथा प्रवृत्तिकरण में प्रवेश करेगा। दोनों में से दो सेंटेंस पहले वो और दूसरी बार ये। अब ये हो गया हमारा, हमको ख्याल आएगा। अब बात कहाँ चल रही है, दिस इज थियोरी एंड व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल। बोलो विजय भाई, अबे तमे चरमावर्तमा छो कि ग्रंथि प्रेत समी के पहुंची गया छो कि यथा प्रवर्तीकरण कर ही रहा छो, हाउ टू फाइंड आउट दैट, नॉट अबाउट अदर्स बट अवर ओन सेल्फ। હું મારો પોતાનું જો હું બીજાનું પ્રિડિક્ટ કરી શકતો નથી તો હમ કેસે સમજેંગે મેં અભી અચરમાવર્ત મેં હું કે મેં ચરમાવર્ત મેં હું, મેં ચરમાવર્ત મેં હું કે મેં અર્ધ પુદ્ગલ પરાવર્તક કે પ્રદેશ મેં ગ્રંથિ ભેદ પ્રદેશ મેં પહોંચ ચુકા હું કે નહીં, મેરા યથા પ્રવૃત્તિકરણ ચાલુ હુઆ કે નહીં, મેને યથા પ્રવૃત્તિકરણ શરૂ કિયા યા નહીં, या मध्य में हूँ या किस में। नाउ वी लर्न, वी आर लर्निंग अबाउट द थियोरी, सो दिस इज थियोरेटिकल परफेक्ट, बट व्हाट अबाउट अवर ओन अस,
If you are learning in the class that hydrogen and oxygen, if you are taking a 1% of the hydrogen and 2 parts of the oxygen, then you will mix it and then it becomes the water. No doubt. But you are learning as a formula. But when you will go in the lab and then you will mix up both the things, then you will find that now this the water is happening. Same thing here. हमारी बात में ये शास्त्र की थ्योरी है और ये प्रिंसिपल इट इज कॉमन फॉर ऑल. मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, महावीर स्वामी के लिए अलग है, पार्श्वनाथ के अलग है, सिमंदर स्वामी के लिए अलग है, किसी के लिए अलग नहीं है. परमानेंट बेसिक प्रिंसिपल्स विच इज कॉमन फॉर ऑल. सिमंदर स्वामी की आत्मा भी इसी थ्योरी से आई है, महावीर स्वामी की आत्मा भी इसी तरीके से इसी थ्योरी से आई है. हम कह रहे हमारे लिए भी यही रास्ता है, परमानेंट सिस्टम है. ये कौन कह के गए? अरुण विजय नहीं कह रहा है, ये तो महावीर स्वामी कह के गए. जो परमानेंट प्रिंसिपल विच इज कॉमन फॉर ऑल, ये भगवान ने बताया कि शास्त्र की सीधी सादी बात है. अब ये आपको समझ में आना चाहिए. अब हमारे लिए द सिम्टम्स विल बी क्लियर. अचर्मावर्त में थे तब और चर्मावर्त में आ गए. व्हाट आर द चेंजेस इन दैट? व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस? हाउ कैन वी डिसाइड अवरसेल्फ दैट आई एम नाउ इन द रनिंग पीरियड ऑफ चर्मावर्त? तो ये बात मैं पहले 10 बार बोल चुका हूं. आपके अंदर चर्मावर्त में आने के बाद गुण प्रकट होने शुरू हुए. अभी धर्म नहीं आया है, व्यवहारिक गुण, कई कॉमन चीजें जो है गुण के अंदर धीरे धीरे आनी चाहिए. क्यों चर्मावर्त इंपॉर्टेंट है? अचर्मावर्त से चर्मावर्त में आने के बाद अब आपको जो यहां से यहां तक, अब ये पीरियड आपका गया, अब आपको इतना ही देखना है. समझेगा? अभी मैंने आपको जो 2 प्रिंसिपल बताए थे बेसिक, तो जीव यहां से प्रवेश करेगा तो चर्मावर्त. अब आप ये सोचना है कि जो जीव अब यहां से, जिसको मोक्ष में जाना है, और मोक्ष में जाने के लिए ये हो गया एक, ये पुद्गल परावर्त, ये काल. दिस इज 1 सर्कल 1 राउंड दैट इज कॉल्ड 1 पुद्गल परावर्त काल. ये भी अनंत वर्षों का है, इसमें भी अनंत भोग होते हैं, ना नहीं है, लेकिन फिर भी जीव की जो भव्य जीव है उसकी भवितव्यता से ये जीव यहाँ चर्मावर्त में प्रवेश कर चुका है. अब जब चर्मावर्त में प्रवेश कर चुका है, मतलब उसका एक ही पुद्गल परावर्त काल बाकी है मोक्ष में जाने के लिए, इसलिए वो चर्मावर्त काल में प्रवेश कर चुका है. बोलो विजय भाई, राजी थवा जेव खरो? हाँ जी महाराज साहब, राजी थवा जेव खरो. चलो भूपेंद्र भाई तुम्हारे. हाँ राजी थवा. बहुत सरल. अब यहाँ से ये तो हो गया, यहाँ से ये हो गया, अब ये इसके बाद जो आया है, अब आप चर्मावर्त में प्रवेश कर चुके. चर्मावर्त में प्रवेश करे तो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ वर्च्यूज विच केम इन अवर लाइफ, जो पहले नहीं थे अब मेरे लाइफ में प्रकट हुए. पहले मुझे क्रोध ज्यादा आता था, अब मेरे में समता ज्यादा है, अब मैं शांति ज्यादा रख सकता हूँ. अब मेरे में क्या क्या चेंज आई? पहले मेरा इतना विवेक नहीं था, अब मैं विवेकी तो बना हूं कम से कम. अब ऐसे जनरल गुणों को तो आप विचार करिए जो भी आपके अंदर शुरू हो रहा है. अब इधर देखिए, अब सेकंड स्टेज क्या आया? जिस जीव का मोक्ष में जाने का इतना ही अर्ध पुद्गल परावर्त ही काल बाकी रहा है, चर्मावर्त का यहां से यहां तक आ गया. अब ये पोर्शन, ये आधा है, तो इसको क्या नाम देंगे आप? अभी क्या शब्द लिखा है? अर्ध. ध्यान में आया कि पहले आखा था एक और अब अर्ध का मतलब इतना ही बचा है, आधा. अब आप यहां से अगर हम ये निकाल देते,
ये हो गया इस मीनिंग का। तो यहाँ थे आप, यहाँ पर थे, अब आप यहाँ से उतरते 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 आप यहाँ आए, कोई यहाँ आ गया, कोई कहाँ पहुंच गया है, कोई कहाँ पहुंच गया है। अब आपको ये ख्याल आना चाहिए। बोलिए जया बहन, आप कहाँ पहुंच गए? हमें तो अजी धर्म सन्मुख छे, अने ग्रंथी ग्रंथी प्रदेश सुधी पहुंचवानी कोशिश करिए। वेरी गुड, चलो भाई, इन्होंने अपनी तरह से कहा। अब ये आपको समझना है कि आपने अगर यहाँ से चरमावर्त में प्रवेश करके आप जिस तरह से जैसे जैसे आप पहुंच रहे हो, तो ये प्रक्रिया जो है, अब यहाँ से यहाँ तक आते 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 आपको यहाँ पर गांठ आएगी। जब आप निकलेंगे तो ये आपकी गांठ यहाँ आने वाली है। अब यहाँ रुक जाएंगे, अटक जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, या रिवर्स में चले जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। मैंने जो स्टोरी की थी, आज कांति भाई नहीं है, स्टोरी जो आपको की थी कि भाई तीन बिजनेसमैन जो है अपनी इनकम लेकर के शायद नेटिव प्लेस जा रहे थे, तो वहां पर उनको जो है गुंडे डाकू लोगों ने लूटना शुरू किया। अब वो लूटने के लिए आए, तब जैसे ही एक फर्स्ट जो थे वो तो रिवर्स में दौड़ गए वापिस, सेकेंड था वो सरेंडर हो गया सब, थर्ड था वो बहुत करेजियस था तो उसने हिम्मत दिखाकर जो है मारते करते वो एक बार आगे दौड़ गया। बोलो अब माता जी, आपका नंबर पहले में है, दूसरे में है कि तीसरे में? साहब जी पूरा तीसरे, पूरा लड़ना है। साहब जी पहले बोला था सरेंडर करने का, लेकिन अब पूरा फाइट करनी है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, इतना हाँ। चेंज हो गया था। अब आप ये सोचिए कि यहाँ तक आने में ये जो रास्ता है, अब ये जो रास्ता है आपने देख लिया कि भाई ये यहाँ से अब आ रहे हो, और यहाँ से आते आते ये जो आपके बीच में यहाँ ग्रंथि प्रदेश है, अब ये ग्रंथि प्रदेश है और यहाँ आपको आना है, तो यहाँ जो है यहाँ आपको नजदीक आने में जो एरिया मिल रहा है, यहाँ करना है पहला यथा प्रवृत्तिकरण, यहाँ दूसरा करेंगे अपूर्वकरण, और यहाँ से बाहर निकले तब आप करेंगे तीसरा जो है अनिवृत्तिकरण। तो ये जब जैसे ही गांठ खुल जाएगी वहां, यहाँ आपको सम्यक दर्शन होगा, लेकिन ये पीरियड जो आपका लंबा चल रहा है, अब यहाँ आपको जो करना है वो इसमें करना है। तो यथा प्रवृत्तिकरण आप कहाँ से करते करते आ रहे हो, आपको ये देखना है यहाँ आते करते समय आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट किया है, अब आपने कितने भव में किया है या कितने काल में किया। अब ये आप जो जिस तरह से यथा प्रवृत्तिकरण करते करते आ रहे हैं, तो ये आपने कब स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, अब आपको ये देखना है। अब इस यथा प्रवृत्ति जरा थोड़ा सा आप सीरियस बन जाइए और बरोबर कंसंट्रेशन रखिए। देखो एक शब्द भी इधर उधर नहीं छूटना चाहिए। काम बात क्या है कि ये जो स्टेप्स मैंने बताए, हो सकता है इट मे पॉसिबल दैट यू हैव स्टार्टेड इन योर पास्ट लाइफ व्हेन यू वाज इन हेवन एज इट इज कॉमन गॉड एंड गॉडेसेस, बट व्हेन यू हैव स्टार्टेड दिस यथा प्रवृत्तिकरण बट योर आयुष्य वॉज फिनिश्ड। अब वहां से चलकर उतर करके आप यहाँ आ गए, तो वहां का यथा प्रवृत्तिकरण वो तो गया हाथ में से, अगेन यू हैव टू रिपीट इट। आप लास्ट लाइफ के अंदर एमए कर चुके थे और वहां से मरने के बाद यहाँ पर आके नया जन्म ले रहे हैं, तो यहाँ एमए से आगे करेंगे कि अगेन यू विल स्टार्ट फ्रॉम द एलकेजी? एमए से आगे स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग।
बोलो काका तमे भूपेंद्र भाई तमे शो करसो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग हां वेरी गुड चलो अब ये आप कैसे एमएस आगे कैसे करेंगे माता जी बोलिए साहिब जी जैसे पिछले जन्म के कुछ संस्कार होते हैं या कुछ वो साथ में काम करते हैं कि मतलब जैसे मैंने ये पहले सुना हुआ है ऐसा कई बार ख्याल आया उससे मुझे लगता है कि शायद साहिब जी ऐसा होता है कि धर्म करते हैं तो वो दूसरे भाव में जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा एमए वाला नहीं जाएगा लेकिन धर्म जाएगा संस्कार की बात है आपके और संस्कार के साथ संज्ञाएं आएगी वो सब आएगा अब किया हुआ यथा प्रवृत्तिकरण आपको कुछ नहीं आएगा साथ में यहाँ मनुष्य में से अगर देव में जाओ तो फिर भी चांस है कि एक अवधि ज्ञान से उनको पता चलता है कि मैं कहाँ से आया हूँ मैंने क्या किया था वो सोचे और फिर उसके आगे वो स्टार्ट करे तो देवलोक के अंदर तो LKG भी नहीं है UKG भी नहीं है कोई कुछ क्लास नहीं है तब जी आपने बताया कि यथा प्रवृत्ति नहीं आएगी लेकिन यथा प्रवृत्ति की वृत्ति है वो तो आएगी साथ अब ये जो है ना अभी जब यहां तक है देखिए यथा प्रवृत्ति करने तक तो आपका मिथ्यात्व तो बरोबर बना हुआ है अनंतानुबंधी कसाय बना हुआ है और वो कर्म आपके साथ आ रहा है यथा प्रवृत्ति करण कोई पुण्य का काम तो नहीं है कि वो आपके साथ में आए कोई आपका बड़ा शुभ कर्म नहीं है कि आपके साथ में आए कोई लेना देना नहीं ऐसे यथा प्रवृत्तिकरण मैंने कितने स्टेप्स लिखे यहाँ पर देखो और शास्त्र में आगम तो कहते हैं कि जीव असंख्य बार यथा प्रवृत्तिकरण कर ही चुके अब ये जो चल रहा है चक्कर तो इसमें आपको ये देखना है कि ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ यथा प्रवृत्तिकरण अब ये यथा प्रवृत्तिकरण है सामान्य और इसका यहां पर आप प्रारंभ कर रहे हो अब इसमें से आगे बढ़कर के ये विशेष होगा और ये यथा प्रवृत्तिकरण जिसका नाम है चरम यथा प्रवृत्तिकरण बोलो इधर देखिए आप ये तीन में क्या फर्क है बोलिए माता जी आप ये आपने मुपत्ति वाले जो है मेरा नाम मुझे मालूम नहीं इला मेरा नाम साहिब जी इला है सामान्य बिगिनिंग क्या फर्क है इसमें क्या फर्क है तीनों में Try to understand it first. What is the difference between three? जाने जस शुरुआत करते हैं जानने की और विशेष में जानने के बाद थोड़ा और उस नहीं जानना शब्द मतलब बीच में जानना नहीं है यथा प्रवृत्ति करण करना यथा प्रवृत्ति करण करते करता है जो करने वाला स्टार्ट करता है इट इज जस्ट बिगिनिंग किया है तो स्टार्ट किया उससे ग्रंथि भेद हो जाएगा क्या प्रवेश नहीं हो जाएगा उधर नहीं होगा ये अगर उसने थोड़ा विशेष किया है तो विशेष में रिजल्ट आने के चांस है और ये क्या लिखा है मैंने कर्म यथावर्त अभी ग्रंथि इधर देखिए ग्रंथि भेद की सेकंड स्टेज है ये जो ये मैंने दरवाजा बनाया है ना ये आप इसको देखिए दरवाजा बना यथा प्रवृत्ति करण इस गेट के बाहर है यथा प्रवृत्ति करण गेट के आउट ऑफ गेट बाउंड्री वॉल के बाहर है वहां तक आपको यथा प्रवृत्ति करण करना है और एक बार यथा प्रवृत्ति करण पूरा हो जाएगा तो फिर आप अपूर्व करण में प्रवेश कर लेंगे सो दिस इज प्राइमरी स्कूल दिस इज हायर स्कूल एंड दिस इज फर्दर दैट तो ये आपको पहले ध्यान रखना है अब जैसे LKG में स्टार्ट हो गए LKG में आप जो है एडमिट हो गए तो
तो वहां आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉम्बे ऐसा सिखाया जाएगा। अब दैट नॉलेज इज आल्सो यूजफुल फॉर एमबीबीएस और एमडी, इज इट यूजफुल और नॉट? यूजफुल गुरुजी। यस, व्हेन यू स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर, तो ये हम यहाँ से सीखते आए। एमबीबीएस में भी उसको एमडी के अंदर भी ए तो लिखना ही है, ए तो पढ़ना ही है, बी तो लिखना ही है, बी तो पढ़ना ही है। यहाँ एलकेजी में हम बच्चे को व्हाट इज काउ, टू हुम यू विल से द काउ, व्हाट इज एप्पल, तो उसको अलग अलग सिखाते हैं। बट एक आदमी जाकर एमडी करता है, पीएचडी करता है, ही इज अबाउट आल्सो द काउ, तो दो में फर्क क्या है? कितना वास्ट फर्क है। तो सामान्य यथा प्रवृत्तिकरण, फिर विशेष यथा प्रवृत्तिकरण, एंड दिस इज द लास्ट यथा प्रवृत्तिकरण। बोलो अबे तमे विजय भाई लास्ट करियो के फर्स्ट करियो छे? भारत साहब जी मुझे पता नहीं। चलो ठीक है, बोलो चंद्रेश भाई शू करियो छे? विशेष साहब, विशेष मैं ट्राई कर रही हूं। ट्राई कर रही है मनोज भाई, बोलो आप क्या कर रहे हो? ये तो मुझे ट्राई शब्द अपने आप निकला है ना, वो किसके लिए? जस्ट सामान्य, अभी कुछ मालूम ही नहीं है आइदर दे स्टार्टेड और नॉट। अब पहले ये डेफिनेशन तो हमको क्लियर हो जाए कि यथा प्रवृत्तिकरण है क्या। अब ये है तो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब भवितव्य का मैंने छोड़ दी, देखो डेस्टिनी क्या थी, डेस्टिनी की बात मैंने कर दी, वो आपको अलग से बात पूरी हो गई कि आपका मोक्ष गमन का काल जो है अर्ध पुद्गल परावर्त ही बाकी रहा है, इसलिए आप यहाँ ग्रंथि भेद तक, प्रदेश तक पहुंच रहे हो और यहाँ आकर के आप यथा प्रवृत्तिकरण कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी दिस इज ऑलरेडी स्टार्टेड। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड? द टाइम फैक्टर इज ओवर, डेस्टिनी इज फिनिश्ड, व्हाट अबाउट योर नेचर? એટલે કોઠારી જે કહે છે કે ભાઈ નહીં મારે કરવું તો છે, વોટ ઇઝ ધ નેચર? યે હમારે માતાજી કહે રહે કે નહીં કોઈ કિસી ભી હાલત મે કરના હી કરના હૈ, યે આપકા નેચર, યો સો અબાઉટ યોર ફર્મ ડિટર્મિનેશન અબાઉટ ધેટ, યોર ડિસિઝન અબાઉટ ધેટ, ચાહે કુછ ભી હો જાય હમે કરના હી કરના હૈ। અબ ક્યા ચાહિયે? પૂર્વકૃત કર્મ, તો કર્મ તો મિથ્યા તો મોહનીય કા પડા હુઆ હૈ, અબ ઉસમે આપકો ક્યા ચાહિયે? आपका वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम करके पुरुषार्थ करना। अब आप स्टार्ट करेंगे तब जाकर के रिजल्ट आएगा। सब पांचों कारण हम यहाँ पर समझ, तो पांचों कारण से टाइम फैक्टर को आप अपने हाथ में मत लीजिए, जो है वो है अर्ध पुद्गल परावर्त से आप चर्मावर्त में भी आ गए और ग्रंथि भेद तक भी पहुंच रहे हैं। अब आपका डेस्टिनी तैयार हो गई, अब आपका नेचर बन गया, अपना स्वभाव, अपना तैयारी, अपनी तैयारी है। अब पूर्वकृत कर्म के अंदर अब पहली बात समझ लो, इसको पुण्य नहीं चाहिए, इसको पाप से मतलब नहीं है, अशुभ कर्म से, अब शुभ कर्म से। आप बंगले में श्रीमंत तो हो, आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी है और 10 करोड़ का बंगला है, या आपके पास किराए का मकान है, आपके पास खाली साइकिल है, इससे कोई संबंध नहीं है, किसी बात से संबंध नहीं है। तो वो फैक्टर बीच में मत लाना कि नहीं मेरा पुण्य नहीं है, मेरा पाप उदय है, मेरा पुण्य नहीं जागा है, इन बातों में भूल से मत जाना, किसी से मतलब नहीं है। क्या चाहिए? अब आपको सबसे ज्यादा चाहिए पुरुषार्थ। ये करण शब्द पुरुषार्थ के लिए है। अब डेस्टिनी ने तैयार कर दिया, प्लेटफॉर्म इज रेडी। चलो केवाय ने के श्रीमती जी ने भोजन बनाकर थाली बना भर के परोस दिए, बोलो अबे खाओ क्या नहीं खाओ? मम्मी ने शायद बेटे के मुंह में एक चावल रख तो दिया है, अब बेटा नहीं चबाएगा, नहीं खाएगा तो क्या होगा? सबका पुण्य है, पुण्य फैक्टर आपका सेट हो गया, मम्मी ने बना करके बच्चे के मुंह में डाल दिया है, बोलो अब क्या करना है? हाँ, अब अपना पुरुषार्थ चाहिए। अरुण विजय इज जस्ट एक्सप्लेनिंग ओनली द थियोरी, दिस इज आई एम गिविंग यू द थियोरिटिकल नॉलेज जो आगम शास्त्र में हमारे यहाँ पर है वो। बट योर एफर्ट, अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट, योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट,
और फिर आपको जजमेंट लेना है, जजमेंट आपको लेना है। थर्मामीटर से हम चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको फीवर है नहीं। अगर थर्मामीटर नहीं भी मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू माई नेचर आई कैन डिसाइड, आई कैन टेक द डिसीजन दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम द फीवर। आप पहले ये सोचिए, इफ यू आर इन्फेक्टेड विद द कोरोना, आइदर यू आर टेस्टेड और नॉट, डोंट वरी अबाउट दैट, यू कैन टेक योर ओन डिसीजन दैट आई एम इन्फेक्टेड नाउ। हमारा सिम्टम्स हमको ख्याल आता है, अब मशीन है, वो मशीन आपको जो है चेक करे और बोले, वहां का बात अलग है। यहाँ आपको अपने अंदर ही आत्मा में होने वाली ये चीज है, हमको हमारी आत्मा में ही होने वाली प्रक्रिया है, हमको ही अपने को अपने आप को समझ में आनी चाहिए। अब बात आ रही है, ये क्या है यहाँ पर, કસાયની પકડ જક્કડ, પકડ છે જક્કડ છે એ બંને આપણે ખોલીને છૂટી કરવાની છે। ચલો એક સેન્ટેન્સ મેં લીના બેન, એક સેન્ટેન્સ મેં, ગાંઠ ક્યા ચીજ હૈ, મનોજ ભાઈ બોલેંગે, રાગ દ્વેષ કી ગાંઠ હૈ, ગુરુજી મેં બોલું, ઇન્ટરસેક્શન ઓફ કશાય મિથ્યાત્વ કી ગાંઠ હૈ, ઇન્ટરસેક્શન ઓફ ખાલી રાગ દ્વેષ, રાગ દ્વેષ બોલેંગે તો નહીં બેઠેગા મામલા, ગુરુજી મેં બોલું, ગાંઠ મેં આપકો મેને પતા હૈ। There are the two threads you see. दो में आप खाली राग द्वेष बोल रहे हैं तो एक मौनीय कर्म की प्रकृति होगी, वो गांठ नहीं है। अच्छा गुरुजी मैं बोलूं, मिथ्यात्व को चारों तरफ से कषाय ने पकड़ के रखा है, वो गांठ है। इसको कौन क्लियर करता है बोले, ज्योत्सना बहन, अनंत अनुबंधी कषाय, अनंत अनुबंधी कषाय ने गांठ, मैं ट्राई करूं साहब बोलो, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म को जिसने अनंतानुबंधी कषाय ने जिसने पकड़ या जकड़ रखा है वो गांठ है। अभी भी कोई आप क्लियर ही नहीं कर रहे हो, खाली अनंतानुबंधी कषाय इतना ही बोल रहे तो वो गांठ नहीं होती है। साथ में राग द्वेष दो टॉपिक है, बोलिए सर, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के कारण जो हमारी विपरीत मान्यता है उसको अनंतानुबंधी कषाय ने, क्रोध मान माया लोभ ने जो पकड़ के जकड़ के रखा है वो गांठ बना के रखी है, उसको ग्रंथि कहते हैं। बोलो अब और किसको बोलना है, प्रवीण भाई बोलना है, उसके साथ में बाकी के ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म का भी पकड़ आ जाती। आप मत लाओ बीच में, मत लाओ सब, साहेब जी अनंतानुबंधी कषाय ने जो पकड़ के रखा है उसने राग द्वेष ने पकड़ के रखा है, राग द्वेष के कारण। महाराज जी कृपा करके आप एक बार बता दीजिए, मेरे तो 2 महीने गए, मतलब क्या हुआ, मैं कंफ्यूज हो गई, इतने सारे बातें, मोहनीय कर्म टूटेगा तभी ग्रंथि भेद होगा। सिर्फ आधे सेंटेंस में बोलना, इधर उधर मत जाइए, पहले अभी आप गांठ क्या चीज है इतना क्लियर करो ना बस, और क्या है, मिथ्यात्व मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी। चलो अभी एक एक माला गिनना, ज्ञान को विपरीत करके अनंतानुबंधी कसायों ने जकड़ के रखा है उसे गांठ कहते हैं। असत्य को पकड़ के रखना, असत्य की ही पकड़ी हुई मान्यता, क्यों लंबा करते हो इधर उधर उधर उधर,
बैठाइए, अब शब्दों को बैठाओ। महाराज साहब पहले आगे शब्द चाहिए असत्य, अभी रिपीट नहीं। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, अभी इधर उधर की बात छोड़, मिथ्या मतलब है क्या? विपरीतीकरण किया वही तो है ना। आप दो को बैठाओ, इधर से विपरीतीकरण और इधर से पक्कड़। खाली आप अनंत अनुबंधी बोलो, खाली कसाई बोलो, तो फिर वो गांठ नहीं बनेगी। मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी करना, पहले इधर से जो है असत्य अंश किसका आया है, सर्वथा विपरीत तत्व क्या लिया है और उसकी पकड़ मजबूत बना करके बैठा है। खाली अनंतानुबंधी कसाय करोगे तो क्या पति पत्नी का घर में झगड़ा हुआ तो उसमें अनंतानुबंधी कसाय आ जाएगा, तो वो मिथ्यात्व की गांठ नहीं बनेगी। मिथ्यात्व अनंतानुबंध, भगवान पहले इतना ही लाओ ना, जो असत्य अंश अंश है, असत्य विषय को पकड़ के मान्यता बनाना, वैसे असत्य की विपरीत मान्यता को पकड़ के रखना। अब इतनी सी बात को गांठ यहाँ पर कहा है, अब हु रियलाइज दैट, ये किसने बात को रियलाइज किसने किया है? मैंने जो बात पकड़ी है वो असत्य है कि सत्य है? अब जब तक इसका एग्जामिनेशन नहीं होगा कौन समझेगा फिर कैसे क्या लाएगा? दुनिया भर का कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उसका मूल तत्व कोई तत्व के साथ जुड़ेगा और कोई पदार्थ के साथ जुड़ेगा। अब उस विषय में आपका ज्ञान सही है कि गलत है, आपने डिसीजन कैसे ले लिया और फिर आपने तो पकड़ लिया। अब क्या करना भाई साहब? समटाइम इट पॉसिबल दैट कंप्यूटर भी मिस्टेक कर देता है, कैलकुलेटर भी मिस्टेक कर देता है, और अगर कैलकुलेटर ने या कंप्यूटर ने कुछ भी मिस्टेक करके एक जने को बिल दिया कि भाई आपको 50 लाख का टैक्स चुकाना है, और उसके पास लेटर पहुंचा तो वो तो बोलता मैं तो झुपड़पट्टी में रहता हूँ, मेरी तो झुपड़ी भी 5,000 की नहीं, मैं 50 लाख का चेक का टैक्स कहाँ से भरूंगा? अब जब उसके पास गया और वो उसने वापस कंप्लेन की वहां पर, तब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि दिस इज द कंप्यूटर मिस्टेक। अब उस मिस्टेक को भी पकड़ के रख लेना, अब वो मिस्टेक को पकड़ कर मान्यता बना करके वो बोलता है कि मैं तो गवर्नमेंट में कोर्ट में जाकर के केस करता हूँ, FIR दर्ज करता हूँ। अरे भाई जब उन्होंने कह दिया कि भी एक्सेप्ट कर लिया दिस इज द मिस्टेक ऑफ द कंप्यूटर, अब फिर उसके लिए कोर्ट में जाने की और FIR करने की जरूर क्या है? नहीं बोलते मेरे ऊपर रॉन्ग एलिगेशन लगाया, मैं कोर्ट में जाता। तो ऐसी दुनिया के अंदर आप किसी भी विषय के साथ जुड़ोगे तो उसके मूल में कोई ना कोई पदार्थ तो है कि नहीं, और फिर उसी के साथ में उसकी मान्यता है कि नहीं, उसका तत्व है कि नहीं। आत्मा एक पदार्थ भी है, आत्मा एक तत्व भी है, मोक्ष एक पदार्थ स्वरूप है, मोक्ष एक तत्व की व्यवस्था के रूप में है, लोक परलोक ये भी सब क्या है, पुण्य पाप ये भी क्या है, धर्म अधर्म ये भी क्या है, स्वर्ग नरक ये सब क्या है। अब ये मूल में आप जाएंगे तो वो पदार्थ स्वरूप है कि नहीं है, और फिर उसका तत्व स्वरूप क्या है, इन विषयों में से किसके बारे में आपकी मान्यता विपरीत है। तो पहले तो सत्य असत्य का विवेक करो, अब वो असत्य की स्वरूप में है, इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट इट, इज इट रॉन्ग, देन आई वांट टू करेक्ट इट, तब आपका यथा प्रवृत्तिकरण शुरू होगा, नहीं तो शुरू ही नहीं होगा। अरे ये बात समझ में? यस। आप बोलिए पहले, राहुल जी बोलिए, आपको क्या समझ में आया? जो बात सर्वज्ञ ने बताई है वो सत्य है, ये जब समझ में आएगा तभी। सर्वज्ञ तक मत पहुंचो, आपने सर्वज्ञ शब्द समझा है, मिथ्यात्वी को क्या लेना देना है सर्वज्ञ से? आप क्यों सर्वज्ञ तक जाते हो? जब जीव को कोई चीज मतलब जो बातें हैं वो सत्य लगने लगती है तभी वो यथा प्रवृत्तिकरण में प्रवेश करता है। आप क्या बोलने जा रहे हो, क्या बोलने की बात है पहले ये देखो। अब मैं यहां पर ये लिखता हूं,
बोलो, इधर देख करके बोलिए आप, क्या ख्याल आएगा आपको? सोनल बहन आप तो खिड़की बंद है आपके, चलो तो ये आपको जब तक देख करके, लीना बहन दरवाजो खोलो छे, सो समझाए छे? साहब जी जरे पहला गुण स्थान के छे तो अपने मिथ्यात्व में छे। अरे मैं सु लख्यू छे बोर्ड ऊपर देने आठ आठ के लेवल तो प्रकार में आठ छे, पहला पहला गुण स्थान है, बीजा त्रीजा चौथा पांचवा ने छठे। इसको गुणस्थान मत समझो, मैं गांठ को ही समझा रहा हूँ आपको। गांठ की बात आपको समझनी है, पहले इतनी सी बात सोचिए तो आपको ख्याल आएगा। फर्स्ट स्टेज पर गांठ का क्या स्वरूप, सेकंड स्टेज पर गांठ का क्या है, थर्ड स्टेज में गांठ क्या है, फोर्थ। अब इसको आप समझे तो नहीं, आप एग्जाम्पल लो, वन पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम द कैंसर एंड दैट टाइप ऑफ कैंसर ग्लैंड फाइब्रोस इन द स्टमक। अब उसको तो कुछ भी मालूम नहीं, ही डजंट नो एनीथिंग, ही जस्ट गोइंग टू द क्लिनिक एंड से डॉक्टर जस्ट आई एम हैविंग पेन इन माय स्टमक। अब उसको गांठ का पता चला क्या? अभी गांठ का पता तो डॉक्टर जो है स्क्रीनिंग करेगा तब पता चलेगा, उसको कुछ भी पता नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टेज के अंदर जहां कुछ भी नहीं है, तो ये काल कौन सा है आपका? अचर्मावर्त का काल। उसको तो कोई मतलब नहीं, अचर्मावर्त में अनंत काल बीतता है, गांठ तो है ही है। हाँ, गांठ होते हुए उसको उसके बारे में कुछ भी ख्याल नहीं, कुछ भी नहीं समझता है। अब क्या करना बोलिए? जब वो डॉक्टर के पास आया एंड डॉक्टर ने थोड़ा सा प्रेस किया, पेट चेक किया, देखा कि भाई हाँ कुछ कठिन चीज लग तो रही है, तो फिर वो जब उसने देखा तो यहाँ कहा, अब आप आए यहाँ पर कि हाँ साहब। अब उसको लगा कि नहीं भाई, अब हाथ लगाकर प्रेशर करने से सिम्टम्स के आधार पर कड़क लगने से डॉक्टर ने डाउट किया कि हाँ गांठ तो है, लेकिन अभी ये क्लियर तो नहीं हो रहा है। इट मे पॉसिबल दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, सो दैट स्टूल मे बी इन द हार्ड स्टूल मे बी इन द इंटेस्टाइन, इट मे जस्ट बी टच एज ए वेरी हार्ड थिंग, बट वॉट इज दैट, अभी कुछ भी डाउटफुल चल रहा है। लेकिन वहां डाउटफुल होते हुए भी डायग्नोस तो हो रहा है ना, समथिंग विच इज स्ट्रॉन्ग डिसीजन, तो वो अपनी तरह से समझने की कोशिश करेगा। अब इसके बाद जब वो चर्मावर्त में आया है तो यहाँ आते आते वो सामान्य यथा प्रवृत्तिकरण स्टार्ट करने की थर्ड स्टेज में, हाँ साहब डॉक्टर साहब अब क्या करना है? तो डॉक्टर बोलेगा कि पहले हम आपको जुलाब देते हैं, दो तीन दिन के बाद में फिर सर्जरी का डिसीजन लेंगे। अब ये सामान्य यथा प्रवृत्तिकरण करने के बाद अब वो आगे बढ़ेगा कि हाँ साथ विशेष यथा प्रवृत्तिकरण करना है, तब जाकर के उसको क्या होगा यहाँ पर? अब वो आते आते जो है यहाँ ग्रंथि प्रदेश के समीप वो पहुंचा और फिर यहाँ आकर के सामान्य यथा प्रवृत्तिकरण किया। अब ये विशेष यथा प्रवृत्तिकरण करेगा, अब ये विशेष करेगा तो इसके बाद में जो है ये आगे बढ़ेगा, अब ये जाकर के चरम यथा प्रवृत्तिकरण करेगा, अब उसके बाद में जो है उसके स्टेज आएगी कि हाँ सर अब ग्रंथि प्रदेश में आगे बढ़कर अपूर्व करण के समय पहुंचेगा। बोलो पारुल बेन बोलशो, शु ख्याल आयो? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में बद्दा स्टेज फर्स्ट अचर्मावर्त काल में वो उसको अभी तक मालूम नहीं है कि ही इज इन द अचर्मावर्त काल। स्लोली स्लोली एज ही कीप्स वर्किंग ही गेट्स इनटू द लास्ट रिंग व्हिच इज द चर्मावर्त काल and from that he keeps on working going through the life cycle and enters the granthi pradesh and then he starts by the time he enters granthi pradesh
That is when the real journey towards moksha starts, where he is in the samanya, samanya yatha, samanya yatha pravruti karan. From अभी that, अभी से moksha वगैरह क्यों बीच में ला रहे हो? Yeah, that is true. Sorry. जल्दी अभी moksha वगैरह बीच में नहीं आ रहा. अबे पहले आपको ये देखना, ये सब स्टेज में गांठ तो है. Yes. और यहाँ लास्ट में भी अभी तक गांठ खुली नहीं है. यहाँ पर भी आप यहाँ पहुंच गए तो यहाँ इसके चरम यथा प्रवृत्तिकरण के बाद में भी ये गांठ तो आपकी बनी हुई है, खुली नहीं है, लेकिन इसी की स्टेजेस है सब प्रवेश कर चुके हैं. आपके भी जो अगर सर्जरी करनी है तो सर्जरी की ये पहले की सब स्टेज है कि नहीं है? Surgeon will do this surgery, the operate, and then remove the gland. See, that is different thing. वो अपूर्व करण के स्टेज में जाएंगे तब आएगा. अभी आप पहले इसी के स्टेज में बैठे हो. गांठ होते हुए जीव फर्स्ट स्टेज में अचर्मावर्त में अनंत भव बिता रहा है. कोई फायदा कुछ भी पता नहीं है उसको. चर्मावर्त में आकर के उसको जो है ये पता लग रहा है, अब उसकी दिशा में आगे बढ़ रहा है. जस्ट इज ट्राइंग टू डायग्नोस दैट. अब जब आएगा तब वो आते आते उसका चर्मावर्त का काल अधूरा हो जाएगा, अर्ध पुत्कल परावर्त काल की कक्षा में आएगा, तब उसको ग्रंथि प्रदेश के समीप पहुंचेगा. अब ये डेस्टिनी लेके आई, काल लेकर आया, अब जाकर के करना क्या है, तब उसको रियलाइज होगा कि हाँ ट्रीटमेंट इज दिस फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप. It not started any treatment. No. But from the fourth step, he had started the treatment. Sabji, can before I ask? Before that surgery, before that surgery, operation theater, all the equipments, everything is ready. Without the operation theater, you can't do the surgery. Without the helpers and assistant and every instruments, you see, it is not possible. तो ये सब चीजें तैयार हो गई. अब फोर्थ स्टेप आकर के खड़ी रही, तब जाकर के सामान्य यथा प्रवृत्तिकरण स्टार्ट होगा. सर जी, कैन आई आस्क यू, आते आते इस स्टेज में आते आते यहां से इसको करना, यथा प्रवृत्तिकरण का पीरियड ये तीनों चल रहे हैं. अब इन तीनों के अंदर उसको करना क्या है? आपको समझ में आए तो बोलो. कंसंट्रेशन करना, मैं इजी से एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर भी आप ध्यान देंगे समझेंगे तो होगा. अब यथा प्रवृत्तिकरण क्यों है ये प्रक्रिया? तो यहाँ आपके पास जो है ये 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है. अब यहां से आपको जो है धीरे धीरे आपको नीचे उतरते 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 चलना है. अब आप 70 में से यहां आए तब 69 हुआ, ये 68 हुआ, ये 65 हुआ, ये 60 हुआ, ये 55 हुआ, अब ये आते आते 50 हुआ, ये 45 हुआ, ये 40 हुआ, अब आगे आते आते 35 हुआ, ये 33 हुआ, अब ये 30 हुआ, ये 25 हुआ, ये 20 हुआ, यहाँ आते आते अब आप जो है सित्तेर कोड़ा कोड़ी सागरोपम की बंध स्थिति उत्कृष्ट की ग्रंथि गांठ की जो है, अब ये पूरी तरह से ये जो यहां से स्टार्ट किया है और ये करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है यहाँ तक, ये पीरियड आपका जो है यथा प्रवृत्ति करण का है. बोलो, अब ध्यान है आपको? विजय भाई समझ में आवे छे? समझ में आवे छे. बोलो क्या पूछ रहे हैं? Is this true only for Shravak or is it true for Sadhu, Sadhvi and Shravak? अरे भाई वो साधु कब बनेगा, श्रावक कब बनेगा? आप तो बहुत आगे की बात कर रहे हो, आप क्यों नहीं समझ रहे हो?
ये कोई साधु साध्वी का काम नहीं है, श्रावक श्रावक का काम नहीं है। आप कहाँ की बात कर रहे हो? ये हो गया साहब यहाँ से लेकर के चौथा गुण स्थान, यहाँ पहुंच गए तब और यहाँ पहुंचे, यहाँ आ गए ये श्रावक हुआ, और यहाँ पहुंचेंगे तब आप साधु बनेंगे। अब यहाँ से आगे नहीं जाओगे तो कैसे बनोगे आप? यहाँ आपको जाकर के ये कक्षा जब आएगी, इसके पहले आप ग्रंथि भेद करके यहाँ पहुंचेंगे। ये है ग्रंथि यहाँ पर, और ये ग्रंथि जब यहाँ पहुंचेंगे तब आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद when you will enter in the fifth class then you become as a sravak, and when you will enter in the sixth class then you become as a sadhu। तो ये साधु साध्वी की तो बात ही नहीं, it is common for all। अगर कोई ये यहाँ कोई देवी देवता जा रहा है, कोई पशु पक्षी जा रहा है, कोई मनुष्य जा रहा है, whoever so may be, वो डेस्टिनी के हिसाब से चरमावर्त में आया है। अर्ध पुद्गल परावर्त काल, अर्ध चरमावर्त ऑलरेडी उसने पास कर दिया है। चरमावर्त में आकर के भी आधा हाफ पोर्शन इज ऑलरेडी पास, तब जाकर के वो यथा प्रवर्तीकरण करेगा। अब वो आज स्वर्ग में बैठे देवी देवता भी तो कर सकते हैं कि नहीं? लाखों करोड़ों देवी देवता है, रोज लाखों देवी देवता से मंदिर स्वामी की देशना सुनने जाते हैं, वो भी समझते हैं, तो वो यथा प्रवृत्तिकरण का पीरियड है उनका। अब पशु पक्षी है, कई पशु पक्षी रोज से मंदिर स्वामी की देशना सुनने जाते हैं, और 20 तीर्थंकर है, 200 तीर्थंकर के समावसन में प्रतिदिन जाते हैं, तो वो भी यथा प्रवृत्तिकरण करेंगे। आपके आप किस भव में हो, किस जन्म में हो, वो आपके अन्य कर्म है, अलग कर्म से उससे कोई मतलब नहीं है। साहब चौखट करू, पारुल बेने जरा जे क्वेश्चन पूछ्यो ने, मारा ख्याल थी लौकिक भाषा में श्रावक अने साधु जे कहीए छे ए ए अने जे खरा अर्थ में श्रावक अने साधु होय छे एमां फरक होय छे ए वात हशे ने? कड़क छे नहीं, तमे ए शब्द नहीं पकड़ो, बराबर एमने आगलनी वात करी दीधी छे। तो सम्यक दर्शन पाम्या पछी श्रावक बनशे ने पछी साधु बनशे, એટલે એનો તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી રહેતો, એ તો પામી ચૂકેલા છે, આગળ ગયા એ। આપણે તો અહીંથી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે ને, પહેલા ગુણસ્થાન કે આ ક્રિયા કરવાની છે, આપ પહેલે યે સમજી, યે ગુણસ્થાન કે જો સ્ટેપ ચલ રહે હૈ, ઇન ગુણસ્થાન કે સ્ટેપ કે અંદર આપને યહાં સે સ્ટાર્ટિંગ કિયા, યે હૈ આપકા ફર્સ્ટ કામ। અબ યે મિથ્યાત્વ કી કક્ષા હૈ, अब मिथ्यात्व की कक्षा से दूसरा गुणस्थान, ये तीसरा गुणस्थान, और जब आप यहाँ पहुंचोगे तब ये चौथा गुणस्थान। यहाँ जाकर के ग्रंथि भेद के बाद सम्यक दर्शन होगा, लेकिन ये जो ब्रिज बना है गांठ यहाँ पर है। अब ये गांठ यहाँ है तो ये स्टार्ट करेगा, मिथ्यात्व जीव स्टार्ट करेगा। तो यथा प्रवृत्तिकरण किसको करना है? मिथ्यात्व जीव को। हाँ, यथा प्रवृत्तिकरण करना किसको, ये काम किसका है? मिथ्यात्वी जीव को करना है। गुरुजी एक क्वेश्चन छे, आपने एनो मतलब है कि जे साधु साध्वी छे या खरा अर्थमां श्रावक छे एनो यथा प्रवृत्तिकरण थई चुक्यो छे? हाँ, हवे समझ्या, सम्यक दर्शन पामी गया पछी जे आगल निकल्या ए साधु साध्वी श्रावक श्राविका। एक प्रश्न पूछू गुरुजी। भारत साहब जी, इस आज जनक भाई का और प्रश्न यही था कि ऐसे व्यवहारिक बात में कहा जाता है कि साधु वेश में ही साधु हो, ऐसी जरूरी नहीं है, संसारी भी वेश में साधु का तत्व हो लेकिन उसने दीक्षा न ली हो तो भी। सब्जेक्ट को अभी, सब्जेक्ट को डाइवर्ट मत करो जी, मेरा कंसंट्रेशन इस पर है, आप डोंट डाइवर्ट द सब्जेक्ट, इधर उधर मत ले जाओ। मैं आज डिसीजन करके आया था कि मैं पूरा कर दूं, लेकिन नहीं हो पा रहा। मिच्छा में दुख रहा महाराज जो है, हमारे जो है ये एक्सेप्शन बोलेंगे, टाइम का प्रश्न आएगा। अब आपको ये सोचना है यथा प्रवृत्ति करण के अंदर क्या काम हो रहा है। 70 से आप रिड्यूस करते 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 आप कहाँ पहुंच रहे हैं? पंचोड़ा कोड़ी पर आ रहे हैं। अब ये यथा प्रवृत्तिकरण के अंदर होना है,
और कर रहा है कौन, मिथ्यात्व ही कर रहा है। पक्षी के कई जीव तिरियन पशु पक्षी के कर सकते हैं, कई देवी देवता भी कर सकते हैं, कई मनुष्य भी कर सकते हैं, बस खाली नरक के लिए बड़ा एक बड़ा कठिन प्रश्न है। लेकिन फिर भी संगनी पंचेंद्री है वो जी। तो यहाँ पहली बात ये आ रही है कि यथा प्रवृत्ति करण कोई भी करे, कोई भी करे, इससे मतलब नहीं है। वो आप उसकी वर्तमान पर्याय क्या है, परिस्थिति सिचुएशन, पुण्य पाप पशु कुछ भी मत देखो, ये इंटरनल आत्मा में होने वाली प्रक्रिया है। फिर वापिस कल का विषय में उठाऊ, यथा मतलब क्या है, प्रवृत्ति मतलब क्या, करण मतलब क्या, वो पुराना रिपीटेशन करने जाऊंगा तो मैं ये और आगे ही नहीं चलेगी गाड़ी, तो साल भर ऐसे ही चलूंगा। ये चलना है क्या, जो यथा प्रवृत्ति करण की क्रिया, पहली बात बोलो जनक भाई, प्रवृत्ति एटले शो, सही समझ। अब ये तो कल वापिस वितराग आत्मा ने जो आचरण कर, तो ये पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करण है, पुरुषार्थ करण है, पुरुषार्थ यथा એટલે જે સર્વજ્ઞ સત્ય છે એ પ્રમાણે આચરણ કરવું, એટલે તમે જે કીધું સાંભળવું, બોલ એના પર ચિંતન કરવું, એને વાંચવું, જે પણ સર્વજ્ઞના વચન છે કે એમનું જે अभी ये खाली हमारे परिणाम में अध्यवसायों में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो समझना है। जो भी कुछ हो रहा है ये अंतर आत्मा के सिर्फ अध्यवसाय में हो रहा है, बाहर अभी उसका कोई आचरण नहीं आ रहा है। सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, ग्रंथि भेद हो जाएगी, बाद में आगे बढ़ेगा, जब आचरण की कक्षा आएगी तब वो जीव पांचवें गुण स्थान पर पहुंच जाएगा, तब श्रावक श्राविका की कक्षा में आ जाएगा। अभी पहले यहाँ पर जस्ट टू करेक्ट द बिलीफ, व्हाट टाइप ऑफ हिज बिलीव इज, what he believes, what type of his belief is, how to change that. मिथ्यात्व भी मान्यता है, सम्यक दर्शन भी मान्यता है, बस फर्क इतना ही है कि मिथ्या मान्यता विपरीत थी, अब उसको सही मानना है। चमकती वस्तु मैंने कॉइन हाथ में लिया, either it is gold coin or not. If I doubt, no, this is not the gold coin, but it is only yellow color, you say. तो फिर क्या करना है? अब decision कैसे होगा? अगर 10 जने मिल करके हुआ ये कि एक आदमी को gold coin मिला और वो अपने हाथ में लेकर के चल रहा था, जा रहा था, तो दूसरे पीछे से देखने वाले 5 यंगस्टर लोग आए, अब उन्होंने भी समझ लिया कि इसको मिली है, मिल गई है और इसके हाथ में है, तो इसके हाथ में से कैसे निकालना था, तो उन्होंने उसको उल्लू बनाया, अरे मूर्ख है क्या, ये थोड़ी गोल्ड कॉइन होता है ऐसा, ये तो आजकल के जमाने में एल्यूमिनियम। फिर दूसरा बोला, फिर तीसरा बोला, चौथा बोला, पांचवा बोला, अब बेचारे का खुद का प्रॉपर नॉलेज नहीं था, 4-5 जनों ने उल्टी सुलटी बातें की, तो उसके दिमाग में आ गया कि चलो फेंक दे। अब जैसे उसने फेंक दिया तो पीछे से इन लोगों ने ले लिया, अब वो आया उनको पूछने के लिए, आपने मुझे ऐसा बोला और आप मेरे हाथ से तो फेंका दिया और आपने क्यों लिया, तो बोलते तुम मूर्ख हो, तुमको फेंकना नहीं चाहिए था, अरे तो आपने ही तो मेरे को समझाया, उल्टे उल्लू बुल्लू बनाया सबने, तो बोला तुम्हारी अक्ल कैसे, हमारे बोलने से तुमने क्यों फेंक दिया, तुम्हारी अक्ल थी कि नहीं थी। साहब जी ये आपने अभी बताया, जो क्लेरिफिकेशन हो मैं जरा वापस बोलता हूँ, मेरी समझ में आया नहीं, आपने बताया आचरण तो पांचवें गुणस्थान की बात है, जो हो रहा है अंदर हो रहा है अभी, जो यथा प्रवृत्तिकरण और जो प्रवृत्तिकरण जो हो रहा है वो आत्मा के अंदर हो रहा है, और ये मान्यता वाला है मेरे ख्याल से, ये सही है कि मान्यता के साथ वाली प्रवृत्ति है ये? मैंने जो शब्द का प्रयोग किया वो क्यों नहीं सुना आपने, अध्यवसाय में, परिणाम में, विचारों में, ये क्यों नहीं सुना आपने?
जी मिच्छामि दुक्कड़म महाराज साहब। ये शब्द मैं तीन बार बोल रहा हूँ ना, रिपीट कर रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए। अभी यहाँ प्रवृत्ति शब्द किसके साथ जोड़ना, अब मुझे थोड़ी कल की बात में वापस रिवर्स जाना पड़ेगा, फिर टाइम जाएगा। अब ये आप पहले इधर से देखो, अब शब्द कहाँ पर है, इधर अगर मैं बीच में ये करण शब्द लगाता हूँ और इधर इसको ले जाता हूँ यथार्थ की तरह, और इधर इसको ले जाता हूँ प्रवृत्ति की तरफ। बोलो, हवे मैंने समझाओ जनक भाई क्या गया, बोलो। साहब गई काले पण मारो एज विचारवू हतुं के आ त्रणेय वच्चे बेलेंस जोईए, के त्रणेय ने साथे मळीने काम करवू पड़े तो थाय। अरे ये तो छे ज, पण तमे पहेला आ करण शुं छे? आत्मशक्ति। करण ए आत्मनी वीर्यता जे छे एनी फूल उपयोग करवो, एनी इना तरफ पुरुषार्थ करवो, एनु वापरवू। अब आपको ये देखना है कि आत्मा की जो शक्ति है, ये आत्मा की शक्ति जो भी है जितनी भी है, अब उसको इस डायरेक्शन में ले जाना कि इस डायरेक्शन में ले जाना है। आप गलती कहाँ कर रहे हो, यहाँ प्रवृत्ति का मतलब आचरण कर लेते हो, ये अर्थ आप गलत कर रहे हो। हाँ हाँ सर, बराबर बराबर, इधर समझे, अभी कोई प्रवृत्ति वगैरह कुछ नहीं है, बट जस्ट प्रवृत्त he must be activate in that. What type of activation? Just to think according to the real form. What is the ultimate truth? Whatever the thing in ultimate truth, he should try to understand in that way. For that purpose, he has to activate our own self. That is called pravratta. Abhi aaj din tak yah jeev satya ko samajhne mein kitna active hua? बहुत कम, ना के बराबर। पहले इस पर देखो, अभी मैं और कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, खाली सत्य को समझने के विषय में। जैसे ही पांच फ्रेंड सर्कल आने के, उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट द गोल्ड कॉइन, अब उनके कहने पर इसने हाथ में से फेंक दी। अब इसको ट्राई करके अंडरस्टैंड करने के लिए समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। इज इट राइट और रॉन्ग? दुनिया में तो सब मिलेंगे। आत्मा शब्द लेकर के फिलोसॉफिकल मार्केट में आप जाओ तो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफीज के ऑल अदर स्कूल जो मिलेंगे, कोई आत्मा के बारे में ऐसा कहेगा, कोई आत्मा के बारे में वैसा कहेगा, कोई कहेगा आत्मा है ही नहीं, कोई कहेगा आत्मा ऐसी, कोई के... तो मैं क्या करूं, मैं सबका सुनूं कि जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो मुझे कहां से लाना? आप मोक्ष शब्द लेकर के जाओ in philosophical market, there are 100 types of shops. Moksha ke baare mein aapko 100 jane alag alag definition dene wale baithe, atma ke baare mein baithe, punya paap ke baare mein baithe, lok parlok ke baare mein baithe, karma dharma ke baare. So many peoples in all the religions and in different religions and all the different schools of philosophy, all are giving you the different definitions. साहब जी, ये ज्ञान से विज्ञान की बात हुई, सब की बात है, सब में सब विज्ञान भी आ गया और सब आ गए। अब उसमें उस दिशा में जाने पर इफ यू विल बी कंफ्यूज्ड इन दैट, अरे ये महाराज ऐसा कहते हैं, साइंस ऐसा कहते हैं, उनके पास जाओ तो वो कैसा कहते हैं, वो कहते, एक ही आत्मा के बारे में सब अलग अलग कह रहे हैं। अभी ये परसों 2 मई को एक पॉलिटिकल डिसीजन आया ना, तो एक एक पूरे राज्य के अंदर जो है एक पार्टी जीत करके आई। अब उसी का एक ही टाइम पे उसकी ओथ सेरेमनी हुई है, बट टू टेक दैट टाइम ऑफ ओथ सेरेमनी अकॉर्डिंग टू ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स, दे मेक देयर चार्ट ऑफ कुंडली एंड अकॉर्डिंग टू द चार्ट ऑल द डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स आर प्रिडिक्टिंग इन अ डिफरेंट वे एंड दे आर गिविंग द चैलेंज। वन एस्ट्रोलॉजर सेज नो, she will complete her time period. Second astrologer आता है, वो दूसरा बोलता है। Third astrologer आता है, वो तीसरा बोलता है। एक ही time limit, एक ही time की कुंडली है और उसके ऊपर सब अलग अलग बोल रहे हैं।
वो मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, आत्मा को लेकर के आप विपश्यना में चले जाओ और विपश्यना सिस्टम ऑफ मेडिटेशन के अंदर आत्मा के बारे में पूछोगे तो वो और ही उल्टा बोलेंगे, अरे आत्मा आत्मा कुछ नहीं, इस चक्कर में मत फंसो, आप तो खाली श्वास देखो, श्वास आ रही जा रही उसको देखो। अब आप आत्मा को समझने गए कि श्वास को देखने गए, तो विपश्यना वालों ने आपको गुमराह कर दिया। वहां से गए तो बौद्ध ने कहा आत्मा आत्मा कुछ है ही नहीं भैया, तीसरे के पास गए, चौथे के पास गए, पांचवे के पास गए, अब जाओ सब जगह पर जाओ, अब क्या करेंगे आप? तो ये क्या होगा कि इसमें आपको आपको अपनी एनर्जी किसमें यूज करनी है, आपकी भी समझ कुछ होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। अब आपको अपनी समझ लगा करके अंतिम ट्रूथ क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ, व्हाट इज अल्टीमेट ट्रूथ, ऑलवेज ऑलवेज यू सी दैट अल्टीमेट ट्रूथ इज वन, इट इज नॉट डिवाइडेड, अदर ऑल द डिफरेंट ट्रूथ्स आर डिवाइडेड, नो डाउट। आप पहले वो समझिए। अब आत्मा के बारे में मैं सर्वज्ञ की दिशा में क्यों जा, अभी तो मिथ्यात्व है, अब वो मिथ्यात्व सर्वज्ञ को मानेगा क्या, उसको तो कोई लेना देना नहीं। ऐसी स्थिति में भी अगर वो जा रहा है, अब इधर देखो पहली बात तो ये करण हो गई, इधर यथार्थ है, यथा मतलब यहां जाना है अल्टीमेट ट्रूथ की दिशा में, और ये आपको एक्टिवेशन, यू आर मोटिवेटिंग योर ओन सेल्फ, यू आर एक्टिवेटिंग योर ओन सेल्फ, आपको अपग्रेड करना है, अपने आप को करना है, तो ये किसके साथ जोड़ना है आपको? अब यहां पर आपको ये जोड़ना है कि मैं मेरी टोटल एनर्जी जो है मैं इस यथा को समझने के लिए इसकी प्रवृत्ति में आई हैव टू यूज माय टोटल एनर्जी, ये है करण आपका। तो ये जो करण है आत्मा जो है, अब अपनी पूर्ण शक्ति इसी में लगाए। मैं यहां पर जब साध्वी जी महाराज को पढ़ा रहा था, यही सब्जेक्ट था ग्रंथि वेद का, तो बोले मेरे को तो पूरी रात नींद नहीं आई, वो तो पूरी रात जो है सोचते विचार करती रह गई, और सुबह होने के बाद मंदिर से जाने के बाद बोले आज गोचरी पानी कुछ नहीं, पहले महाराज को ये पूछूंगी कि मेरे को ये समझा, मुझे तो करना ही करना है, मैंने तो दीक्षा ले ली, मैं तो साध्वी बन गई, लेकिन ये मैंने किया कि नहीं किया, ये हुआ कि नहीं हुआ मेरा, वो तो बिल्कुल उनको तो दो तीन दिन तक नींद नहीं आई साहब, नहीं मुझे तो करना ही करना है, हर हालत में करना ही करना, मैं दीक्षा लेकर साध्वी बन गई इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये मैंने नहीं किया तो मैंने तो खाली वेश धारण किया, तो क्या मीनिंग रहा, नहीं मुझे तो ये करना ही है। तो रात दिन दिमाग में घूमता रहे, तब वो यथा प्रवृत्तिकरण आपका जा करके लास्ट चरम यथा प्रवृत्तिकरण जाएगा। मैंने आपको महावीर स्वामी की स्टोरी बताई थी, इन द फर्स्ट भव के अंदर नैसार के भव में जब साधु महाराजों को रास्ता दिखा करके खुद के जाने की नौबत आई, गुरु महाराज ने कहा चलो भैया ठीक है ये सामने हम पहुंच जाएंगे चले जाएंगे, तब उसने कहा नहीं गुरु जी, ये मैंने आपको जंगल का रास्ता बताया है, लेकिन आप भी तो मुझे रास्ता बताओ। एक सेंटेंस के अंदर पहले ही उसको गुरु महाराज ने समझ लिया कि हाँ ये जीव चरमावर्त के अंदर से भी आगे बढ़ करके चरमावर्त में से अर्ध पुद्गल परावर्त काल के नजदीक आया है, ग्रंथि वेद के समीप आ गया। अब गुरु महाराज ने उसको सही टाइम पर भैया बोल नवकार मंत्र बोल नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम बोलाते, उसका मीनिंग समझाते हुए राग द्वेष रहित ऐसे अरियंत भगवान को नमस्कार, ये अब है तो मिथ्यात्वी थी, उसने तो जिंदगी में नहीं सुना है, he was the general person as a woodcutter person, अब वो तो जंगल में जाता था लकड़ियां काटता था लाता था बीटता था अपना पेट भरता था, he never heard this type of words। और फिर जाकर के उसने जब गुरु महाराज से पूरा सुन लिया समझ लिया, अब यथा प्रवृत्तिकरण उसका चल रहा है, अब वो घर आ गया, घर आकर के उसने अपने सिर पर बांधी हुई रोटी चटनी थी वो रख दी पत्नी के पास और चुपचाप अंदर रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया, वो तो नमो रियंताणम नमो सिद्धांत
बोलते ही गए, बोलते ही गए, एक घंटा, दो घंटा, चार घंटा। अब पत्नी ने बाहर से चिल्लाया, क्या हुआ, गर्मी चढ़ गई सिर पर, पागल हो गए, क्या हो गया, क्या हो गया। वो बोला अब कुछ नहीं सुनना है, पागल कहे तो कहने दो, जो कहे वो कहने दो, नहीं खाना है, नहीं पीना है, नहीं कुछ करना है। एक दिन बीता, दो दिन बीता, तीन दिन, और वो नैसार का जीव है। अब यथा प्रवृत्ति करण उसका पूरा हो गया और वो अपूर्व करण की कक्षा में आया। जब उसका ग्रंथि भेद हो गया, उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, लेकिन अब तीसरे दिन आयुष्य पूरा हो गया। अब आयुष्य तो अलग फैक्टर है, इसके साथ इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। अगर नहीं पूरा पहले, एक एक, एक छह दस घंटे पहले आयुष्य पूरा हो जाता तो यथा प्रवृत्ति करण अधूरा करके जीव जाता, तो ये भी भव गिना नहीं जाता। लेकिन यथा प्रवृत्ति करण भी हो गया, अपूर्व करण भी हो गया, ग्रंथि भेद हो गया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और 10 घंटे के बाद आयुष्य पूरा हुआ, तो ये भव गिना गया। तो महावीर स्वामी ने नैसार के भव में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, ऐसा आचारंग सूत्र आगम शास्त्र की चोलिका में ये क्लेरिफिकेशन आया। तो ये होगा तब ना, होना तो चाहिए वैसे ही, और करना तो किसको, प्रवृत्त मतलब यू आर जस्ट एक्टिवेट योर सेल्फ, यहां आचरण नहीं है, अभी आचरण कुछ करने जाने की बात ही नहीं है, अभी अपने मन में, अंतर मन में है और अंदर ही अंदर जो है ऐसा विचार करने में भी जीव ने कभी ये पुरुषार्थ नहीं किया है। क्या रे तमें विजय भाई, क्या रे आखी रात जागे आने आत्मा परमात्मा नो विचार करवा मा तमें रहा? नहीं महाराज साहब जी, अभी नहीं उतना नहीं, बराबर ना। अब आप 60-70 तक भी कभी एक रात जगे नहीं, योर क्यूरियोसिटी ऑफ दॉट लेवल, आजे मने आखी रात ऊंघट नथी आवी, हवे मारे जेचे कई रीते आत्मा ने परमात्मा ने शू समझो। अब एक 65 की एज वाली माता जी को कुछ, वो आई सामने, वो के मारे साहब तन दिवस थे ऊंघट नथी आती। मैंने कहा डॉक्टर से नींद की गोली ले लो। बोले तीनों दिन से डबल दो गोली ले रहे हो, नींद नहीं आ रही। मैंने कहा क्या हो गया? तो लोग स्वाभाविक सोचेंगे क्या कोई घर के अंदर ऐसी घटना हुई क्या? हाँ महाराज साहब, मेरी बेटी का डाइवोर्स हो गया, वो घर आ गई है, उसके भी छोटी बेटी है, दो बच्चे लेकर वो घर आ गई है, डाइवोर्स हो गया। तो बोले मने नूंगट नहीं आती, तन दिवस थे बस एक चिंता। ऐसी चिंता कभी आपने आत्मा परमात्मा के बारे में की है? एक बेटी की डाइवोर्स के लिए एक माँ जो है तीन दिन तक नींद नहीं ले रही, उसको नींद नहीं आती, चिंता ही चिंता लगी हुई, ऐसी चिंता कभी आपको आत्मा परमात्मा के बारे में आई? अरे अरे अरे, नाउ आई क्रॉस द 75, अरे अभी तक मैंने यथा प्रवृत्तिकरण नहीं किया, ग्रंथि भेद नहीं किया, अरे 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 अरे, मेरा तो मनुष्य जन्म निरर्थक निष्फल जा रहा है, क्या किया अगर के जन्म लिया, माँ का दूध पिया, बड़े हुए, रोज चॉकलेट खाए, बिस्किट खाए, स्कूल में गए, बड़े हुए तो माँ बाप ने शादी कराई तो संसार में व्यस्त रहे, इधर बिजनेस में रहे, दो संतान हो गई, अब संतान की शादी की, मेरी तो 75 की एज हो गई, अभी तो मेरे से चला भी नहीं जाता है, शक्ति नहीं है, चलो अब मेरा तो आयुष्य पूरा हो जाए। ये आपका 75 गया मतलब इसमें कहां यथा प्रवृत्तिकरण आया ही कहां? ये तो संसार तो कॉमन है, सबका है, ये तो कर्म के मोहनीय कर्म, दूसरे कर्म, तीसरे कर्म है संसार में, सबका यही होने वाला है, सभी आएंगे, जन्म लेंगे, माँ का दूध पिएंगे, रोटी खाएंगे, बड़े होंगे, पढ़े स्कूल में पढ़ेंगे, बड़े होंगे तो माँ बाप शादी करेंगे, उनके संतान होंगे, वो अपने संतानों की शादी करेंगे, ये सब संसार चक्र पूरा करके एक दिन मरना ही है, सबको जाना, इट इज कॉमन फॉर ऑल, पूरी दुनिया में सबके लिए ये है। तो इसमें ये तो जो है आहार निद्रा मैथुन परिग्रह की संज्ञा में रहे आप, तो आपने कब जो है यथा प्रवृत्तिकरण कब किया, कब आपने दो रात तीन रात तक बिल्कुल आत्मा का चिंता की, मेरा क्या होगा, मेरे भव की चिंता की, आत्मा का चिंतन किया, अरे इतने में अभी तक मेरे को आत्मा समझ में नहीं आया, आई क्रॉस द 75, जब आत्मा ही समझ में नहीं आया तो परमात्मा क्या समझ में आएंगे।
अब ऐसी स्थिति में करना क्या? ये यथा प्रवृत्तिकरण यहां आ रहा है, इस कक्षा में आ रहा है आपका यथा प्रवृत्तिकरण। अभी यथा प्रवृत्तिकरण का ये रिजल्ट आए तो जब 70 में से वो रिड्यूस करते करते 69, 68, 70, 67, 60, 65, 64, 63, 62, 61, 60, अब आप कितना करेंगे साहब? अब ये दो चीजें आपको और सीखनी पड़ेगी साहब, रसघात और स्थितिघात। ये है थोड़ी कर्म फिलोसॉफी की। अब मैं आज थोड़ा सा सोच के आया था कि पूरा करूं, लेकिन कैसे होगा सर? किसको पूछना है? बट टू द टॉपिक, टू द सब्जेक्ट, टू द पॉइंट। सम्यक दर्शन मळे पछी एक कोड़ा कोड़ी सागरो पमज आया आयुष्य मैक्सिमम बाकी रहे। પ્રશ્ન બરોબર બનાવી મારા સાહેબ, કરણ શબ્દ નો અર્થ વાળ ના ષડ નું સુકાન એવો આપેલો છે, તો જરી પ્રકાશ પાડશો તો શું બોલ્યા? કરણ શબ્દ નો અર્થ વહાણ ના ષડ નું સુકાન। અરે એને અહીંયા ના બેસાડો કાકા। ઓકે ઓકે ઓકે। કરણ શબ્દ તો 10 જગ્યા પર આયેંગે, 50 જગ્યા પર આયેંગે, વો ઓશન કે ઉપર સમુદ્ર કે અંદર ચલતે હુએ અપને સ્ટીમર જો ચલા રહા હૈ તો ઉસકે સુકાન વહાં વો મીનિંગ હૈ। કરણ શબ્દ 10 જગ્યા આયેંગે ઉસકો મત લો, યહાં કિસ અર્થ મે હૈ વો મેને આપકો એક્સપ્લેન કિયા। मथिन वंदामी, विशेष पे थोड़ा फोकस चाहिए था। विशेष सामान्य तो है और विशेष में क्या करना होता है? हाँ, मैं आपको यही बता रहा था कि ये जो करण है यथा प्रवृत्ति करण, अब इसमें आपने क्या किया है? ये है करण। अब ये तीनों की बात चल रही है कि इसमें अगर आप दो डिवीजन कर रहे हो कि ये है सामान्य और ये विशेष में आप चल रहे हो, तो मतलब क्या हुआ? सामान्य के अंदर बस ये है, किया और छोड़ दिया, नो सीरियसनेस एंड नो सीवियरनेस, सिंसियरिटी भी नहीं है, सीरियसनेस कुछ भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड सामान्य। ठीक है, किया तो किया, नहीं तो नहीं, सही, कोई हरकत नहीं, क्या फर्क पड़ा? फिर देखेंगे सर। अगर आप सोच लो एक बैट्समैन और मैच में जाए और वहां पर एक बॉल के अंदर उसको सिक्सर लगानी है, ही मस्ट बी सिंसियर और सीरियस और नॉट। अगर वो जाए बोले बैट घुमा के वापिस आ जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या होगा? तो वहां सामान्य जब यथा प्रवृत्तिकरण होता है तो द पर्सन इज नॉट दैट मच सीरियस एंड सिंसियर अबाउट दैट। हाँ, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। एक आप घर में देखिए ना, बच्चे की हैबिट आपने बनाई, आज का काम आज ही करना है, आज का काम कल पर नहीं ले जाना है। अब उसकी सिंसियरिटी डिसिप्लिन बनेगी कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मम्मी ने कहा है ना आज का तो आज ही करना है, अब कल पर नहीं ले जाना है। अब आज मम्मी आज नहीं नहीं आज तो बहुत लेट हो गया, अभी तो नहीं, अभी तो बहुत लेट हो गया, मम्मी आज जाने दो, चलेगा क्या? तो आपने एक सिंसियरिटी बनानी पड़ती है कि नहीं? तो सामान्य वाला तो क्या है, उसको टाइम की वैल्यू नहीं है, लाइफ की वैल्यू नहीं है, देखेंगे, होगा, चलेगा, फिर देखेंगे, फिर कभी चांस आएगा, फिर देखेंगे, तो इज नॉट दैट मच सिंसियर, फिर छोड़ भी देगा, क्या लगा कि नहीं? लेकिन ये जब आप विशेष में आ जाएंगे तब आपका यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाएगा पीरियड। अब ये पीरियड में आपको 70 से लेकर आप 60 तक आ रहे हैं, आप करते 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 आगे बढ़ रहे हैं, तब जाकर के आपको लगेगा हाँ सर ये मैं बरोबर विशेष रूप से कर। अब विशेष करते करते चरम यथा प्रवृत्तिकरण द लास्ट, अब ये क्या चल रहे हैं मन में, आपके मन में नहीं बोलना चाहिए, आत्मा में, ये आपके अध्यवसाय भाव की विशुद्धि में चल रहा है।
विशुद्ध भाव और विशुद्ध आत्मा के परिणामों में चल रहा है। अभी आप कुछ भी बाहर कोई एक्टिविटी करने नहीं जा रहे हो, आचरण करने नहीं जा रहे हो, लेकिन आपके परिणाम की धारा, आपके अध्यवसायों की, भावों की जो वैसी धारा बनती है, तो वो बननी जरूरी है। वो बनी कि नहीं बनी, वो रेगुलर बन रही है कि नहीं बन रही है, ये आपको जो है अलग से समझना पड़ेगा। नहीं तो आपको कभी भी ख्याल ही नहीं आएगा, आप डाउट में भ्रम में रह जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हाँ सब हो गया हो गया हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए फिर। साहब जी बोलिए, हमारा सा कहने की बातें हैं। मैं चंद्रेश भाई, गो अहेड। सब आत्मा का चिंतन क्या करना चाहिए? अभी चिंतन करना चाहिए, आपको चिंतन एक ही है, व्हाट इज अल्टीमेट ट्रुथ, एंड क्रिएट योर क्यूरियोसिटी अबाउट दैट। आई शुड लर्न अबाउट द व्हाट द अल्टीमेट ट्रुथ इज, अंतिम सत्य आखिर क्या है इन ऑल द सब्जेक्ट्स इन ऑल द वे। सो व्हाट इज दैट अल्टीमेट ट्रुथ। अब मैं उसको समझ के ही छोड़ूंगा, मैं उसको समझ के ही रहूंगा, ऐसे छोड़ूंगा ही नहीं साहब। चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, चाहे कुछ भी आ जाए, मैं उस दिशा में आगे बढ़ रहे कि ये मैं कर रहा हूं कि नहीं। तो यहाँ अब इसके अंदर की जो मैं कि हमको अभी इस कक्षा में आने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये समझना अभी बाकी है थोड़ा हमको। मैं भी समझता हूँ कि लेट हो रहा है, टाइम ज्यादा जा रहा है, लेकिन क्या करूँ, अब मेरे हाथ में भी तो नहीं है। मैं नॉनस्टॉप बोल रहा हूँ, नॉनस्टॉप कंटिन्यू मैं आपको समझा रहा हूँ। अब मुझे वार्निंग मिलती है टाइम की, तभी रुकता हूँ सर। लेकिन ये है तो सही ना, विषय तो है, समझ नहीं देता। साहब जी बोलिए, और किसी साहब जी, प्रवृत्ति और ग्रहण में क्या डिफरेंस हो गया? प्रवृत्ति और ग्रहण में क्या बोला? ग्रहण और प्रवृत्ति और ग्रहण, ग्रहण मत जोड़ो, इसके साथ कुछ भी मत जोड़ो, ग्रहण शब्द से कोई मतलब नहीं। यहाँ प्रवृत्ति शब्द, आप प्रवृत्त हो चुके हो यथार्थ स्वरूप समझने में, और वैसे अध्यवसाय भाव परिणाम में आप एक्टिव हो, आपको भाव आ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, आपको समझने के विचार आ रहे हैं, आत्मा परमात्मा को। हाँ हाँ, तो यथा प्रवृत्ति में, फिर अब उसके प्रैक्टिकल लेते हैं, प्रैक्टिकल लेंगे, उसके विचारों को समझेंगे, बिल्कुल ख्याल आएगा, आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर पूछिए पहले। रसीला डी मधानी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ प्रणाम गुरुजी, ये चरम यथा प्रवृत्ति करण है, उसका मतलब वो भी ग्रंथि भेद करके अपूर्व करण में प्रवेश करेगा ही? आपने क्यों ऐसे बोले, ग्रंथि भेद करके अप... ये मत बोलो, अभी ग्रंथि भेद तो नहीं हुआ है, उस प्रदेश में पहुंच रहे हैं। चरम का मतलब आपको अमेरिका जाना है तो एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा कि नहीं जी? तो आपको ग्रंथि भेद करना है तो ग्रंथि भेद के प्रदेश में तो पहुंचना पड़ेगा कि नहीं जी? तो ये प्रदेश में पहुंचने की बात है, सेकंड स्टेज आएगा तब अपूर्व करण होगा, तब ग्रंथि भेद होगा, तब सम्यक। आप बहुत जल्दी आगे चले गए, अभी यहाँ तक रुक करके इसी को समझिए। वो सबकी मेमोरी में क्या हुआ है कि मेमोरी में जो वर्डिंग सेट है ना, इसलिए फटाफट आगे का ही बोलते हो आप। चरम मतलब लास्ट हुआ ना, पहले इतने जल्दी आगे मत हो। हाँ चरम मतलब लास्ट, वो होगा मतलब क्या लास्ट, यथा प्रवृत्तिकरण का एंड आना चाहिए। ये अगर ये कपड़ा है, रस्सी है, तो इट इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड एंड्स हियर, तो आपको यहाँ जाकर के एंड आएगा कि यथा प्रवृत्तिकरण का एंड, अंतिम कक्षा कर्म यथा। तो उसके बाद फिर उसके बाद उसको
उसके बाद उसको दोबारा यथा प्रतिकरण तो नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद उसको अपूर्वकरण में जाना है। अब यथा प्रवृत्तिकरण में अपुनर्बंधक अवस्था आएगी और अपुनर्बंध अवस्था में आने के बाद फिर जब वो जाकर के अपूर्वकरण में प्रवेश करेगा तो वहां की दिशा अलग आएगी। जी बोलिए। पदार्थ गुरुदेव, पदार्थ ने तत्व में शू फर्क? आत्मा एक पदार्थ छे तो ये द्रव्य स्वरूपे केवो छे, गुण स्वरूपे केवो छे, उत्पादनमां शुं थाय, ध्रुव स्वरूप शुं थाय छे, ए समझवुं ए पदार्थ स्वरूप छे। अने आत्मा ए पोते ज्ञान दर्शन आदि गुणों वालो तत्व छे ने हवे मारे एनी उपासना करवी छे ने एना उपर ज आवरणीय कर्म छे ने ए विचार करशो त्यारे तत्व व्यवस्था आवशे। ख्याल आई गयो? तो पहला पदार्थ स्वरूप शुं छे पछी ए तत्व बनशे। बोलो आचरण है बोलते, लेकिन अभी एकदम क्लियर हो चुका है कि वो आचरण नहीं है, मतलब आत्मा का अध्यवसाय के बीच में अंदर ही होता है। आप जो आचरण समझ रहे हो वो आचरण नहीं है, मानसिक आचरण में मन के अंदर अध्यवसाय की धारा को बनाना वो आचरण समझ। एक बार आपको आत्मा के विचार आए तो वो बरोबर कांस्टेंट रहने चाहिए कि नहीं, उसमें आप प्रवृत्त हो कि नहीं हो। जिन तत्वों के बारे में, जिन विषयों के बारे में, जिसको लेकर आपने यथा प्रवृत्तिकरण किया है तो उसमें आपकी विचारधारा भी एक्टिवेट है कि नहीं है, पहले ये जरूरी है ना। नहीं तो पर प्रवृत्ति तो भी होगी कहां से? अभी ग्रंथि भेद होगा, सम्यक दर्शन होगा, तब जाकर वो प्रवृत्ति करेगा, तब की बात तब है। आप तो पहले से ही बैठा देते हो सब। जब हम थोड़ी बारीकाई से थोड़ा डेप्थ में जाकर के डील करते हैं तब आपको एक एक पता चलता है। सबको क्लियर है? नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, एषो पंच नमोकारो सव्वपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं तव इमंगलम्। मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतम प्रभो, मंगलम सोलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम, चत्तारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतोदमो मंगलम, चत्तारि लोगुत्तमा, हरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नतो तमो लोगोत्तमो, चत्तारि शरणं भवज्जामि, अरिहंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली पन्नतं तमो शरणं भवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणं जयनं जयति शासनं। एकाल वंदना महाराज जी। एकाल वंदना साहेब जी। एकाल वंदना साहेब जी। साहेब जी काले नो टाइम, काले 14 थे, 8:30 बजे रहे, 8:30 अमेरिका में 11 बजे। हाँ, हमारा 11 बजे यहाँ का। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र।